चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू फोर्सेज आर सच दैट द सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज 18 न्यूटन एंड देयर रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज 12, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेज। तो सबसे पहले एक बेसिक चीज समझ लेते हैं, दो फोर्सेज हैं F1 और F2, मैं ऐसे बना दे रहा हूं, अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं बना रहा हूं, पहले प्रिंसिपल को समझ लेते हैं। तो फोर्स F1 F2 दोनों के बीच का एंगल थीटा होता है, अगर मैं इसका डायगनल बनाऊं तो यही रिजल्टेंट होता R, और उसकी वैल्यू क्या होती है, R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा होती है। और रिजल्टेंट और फर्स्ट फोर्स के बीच का जो एंगल यानी फर्स्ट वेक्टर के बीच का एंगल जो होता है वो अल्फा कहलाता है, और टेन अल्फा की वैल्यू होती है सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा अपॉन फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। तो यहां पर सेकेंड वेक्टर है ये F2, तो इसको आप F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा, हम यहां टेन अल्फा की वैल्यू लिख सकते हैं, ये वैल्यू होगी, ठीक है, करेक्ट है। ये मेरे पीछे आ गया थोड़ा सा, मैं इधर हो जाता हूं, ठीक, क्लियर। तो अब टेन अल्फा की वैल्यू, अल्फा के बारे में कह रहा है कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, रिजल्टेंट और फर्स्ट वेक्टर जो है, फर्स्ट फोर्स जो है, स्मॉलर फोर्स कंसीडर कर लेते हैं, तो आपका फर्स्ट फोर्स F1 इधर F1 ये हो गया, और F2 इधर कंसीडर कर लेते हैं F2, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दे रहा हूं, ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है फर्स्ट यानी स्मॉलर फोर्स पर, तो अल्फा की वैल्यू हो गई 90 डिग्री, जो ये अल्फा है उसकी वैल्यू हो गई 90 डिग्री, और इस आर की वैल्यू 12 न्यूटन कह दिया है, ये रिजल्टेंट की वैल्यू 12 न्यूटन कह दिया है, और दोनों फोर्सेस का सम F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 80 न्यूटन कह रहा है, F1 प्लस F2 80 न्यूटन। तो अगर रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये वाला अप्लाई किया जाए, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, आर की वैल्यू है 12 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, और tan वाला फॉर्मूला अप्लाई करें अगर यहां पर tan 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, F2 sin थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा, और tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटिव होती है, इन्फिनिटिव का मतलब नंबर ऊपर कुछ भी हो नीचे जीरो होगा, यानी F2 sin थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा, ध्यान रखना इन्फिनिटिव को मैंने 1/0 रखा है क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर जीरो होगा तो अनडिफाइंड होता है, तो इसका ये मतलब हुआ डिनोमिनेटर जो है उसकी वैल्यू जीरो के इक्वल है, यानी F1 प्लस F2 cos थीटा इक्वल टू जीरो, इट मींस इसको आप लिख सकते हो cos थीटा इज इक्वल टू माइनस F1 अपॉन F2 लिख सकते हो, ये वैल्यू आप cos थीटा की जगह पुट कर सकते हो, तो ये 12 का स्क्वायर है 144 हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस 1 की जगह मैं पुट कर दे रहा हूं वैल्यू F1 बोल दे रहा हूं फोर्स F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 और cos थीटा की जगह माइनस F1 बाई F2 F2 से F2 कटा और ये हो जाएगा 144 इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2 F1 स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो 144 इज इक्वल टू F2 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर, ये लिख सकते हो ये वैल्यू हो जाएगी, और यहां पर 144 इज इक्वल टू F2 माइनस F1 इनटू F2 प्लस F1 और F2 प्लस F1 की वैल्यू है 80 न्यूटन, तो आप यहां पर मैं यहां सॉल्व कर ले रहा हूं F2 माइनस F1 इनटू कितना हो जाएगा ये 18 इज इक्वल टू 144, ये हो जाएगा F2 माइनस F1 इज इक्वल टू 144 अपॉन 18, ये कितना आना चाहिए कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं, 144 डिवाइडेड बाय 18 ये आएगा 8 आ रहा है, सो F2 इसको F2 माइनस F1 इज इक्वल टू 8 आना चाहिए, सही है, ये थोड़ा उधर हाइड हो जा रहा है ना, चलो कोई बात नहीं, ये मैंने कर लिया, F2 माइनस F1 की वैल्यू 8 आ रहा है, और यहां लिख देता हूं, और F1 प्लस F2 कितना है, वो है 18 और F2 माइनस F1 कितना है 8, दोनों को जोड़ो F1 F1 कटा
ये कितना होगा, टू एफ टू इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 26, 26 क्या है, एफ टू इज इक्वल टू 30 न्यूटन। दूसरा फोर्स 30 न्यूटन का होगा, यानी बड़ा वाला फोर्स ये वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, और छोटा वाला फोर्स 5 न्यूटन का होगा, बी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। स्पेस नहीं था इसलिए मैंने सी कर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, वन डबल द अदर इन द मैग्नीट्यूड, इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर ऑफ द टू फोर्सेस। ठीक है, द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस। देखो सबसे पहली बात, पहला फोर्स अगर उसको एफ कंसिडर कर लें और दूसरा फोर्स डबल है, ठीक है, और जो उसका रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर है स्मॉलर फोर्स पे, तो ये एफ टू को टू एफ कह दिया हमने। और इसका मैं अगर पैरेललोग्राम बनाऊं तो ये कुछ इस तरह का बनेगा, और ये इसको रिजल्टेंट कह दिया मैंने, और ये 90 डिग्री है और ये अल्फा 90। तो टेन अल्फा क्या होता है, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इन साइन थीटा अपॉन थीटा, क्या हो दोनों के बीच का एंगल थीटा ये है, अपॉन फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। तो ये अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो टेन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव इज इक्वल टू सेकंड वेक्टर कौन है, 2f, 2f साइन थीटा अपॉन f प्लस 2f कॉस थीटा, ये साइन है। ठीक है, तो इन्फिनेटिव का मतलब ऊपर कुछ भी हो नीचे जीरो होगा, यानी f प्लस 2f की वैल्यू कॉस थीटा, इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल होगी। इट मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस 1/2। कॉस थीटा में माइनस 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 120 की वैल्यू होती है, तो थीटा इज इक्वल टू 120 आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ मास कैपिटल एम इज सस्पेंडेड बाय अ रोप फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट एट पी। ठीक है, पी पॉइंट पे सस्पेंड किया गया, एज शोन इन द फिगर। अनदर रोप इज टाइड एट द एंड क्यू, क्यू एंड पे। ठीक है, एंड इट इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली, ये फोर्स लगाया जाए ट्रैप पुल करने के लिए विद अ फोर्स एफ। इफ द रोप पी क्यू, पी से क्यू यहां तक का, मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, ये एंगल थीटा है। ठीक है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग पी क्यू कितना होगा, पी क्यू स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, हम टी इसको कंसिडर कर लेते हैं, ये टी कंसिडर कर लेते हैं, और इसके थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी अल्टरनेट इंटीरियर होगा, तो इधर का कॉम्पोनेंट होगा टू टी कॉस थीटा, और इधर का कंपोनेंट होगा टी साइन थीटा, करेक्ट है। तो टी साइन थीटा फोर्स इस वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ, और ऊपर वाला फोर्स टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, नीचे अगर कोई थ्रेड टी डैश कंसिडर कर लें, टी डैश, तो वो टी डैश के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन हमको क्या चाहिए, टेंशन चाहिए, और एफ के टर्म में ही सारे कुछ ऑप्शन में दिया हुआ है, तो टी इज इक्वल टू एफ बाई साइन थीटा, इसको आप एफ बाई साइन थीटा भी लिख सकते हो, एफ बाई कोसेक थीटा भी लिख सकते हो, तो जो भी ऑप्शन सही हो वो देख लो। टी बाई साइन थीटा इज अप्रोप्रिएट ऑप्शन, यहाँ बी में दिया हुआ है, इसलिए यही ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ स्प्रिंग बैलेंस ए शोज अ रीडिंग ऑफ 2 kg व्हेन एन एल्युमिनियम ब्लॉक इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट। अनदर बैलेंस बी शोज अ रीडिंग ऑफ 5 kg व्हेन अ बीकर फुल ऑफ लिक्विड इज प्लेस in its span, the two balances are arranged such that the A block is completely immersed inside the liquid as shown in the figure. Then, देखो, इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब ये ब्लॉक जो है mass का एयर में था तो उसका मास था 2 kg, ठीक है, उसका मास था 2 kg, जैस, और ये जो पानी था, पानी को जब हमने कैलकुलेट किया था तो ये 5 kg शो कर रहा था। तो जैसे ही इस ब्लॉक को हम इमर्स करेंगे, इस पे एक बायोंसी फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, और इस वजह से ये 2 kg जो शो कर रहा है उससे कम शो करने लगेगा, 2 kg से भी कम ये स्प्रिंग बैलेंस शो करेगा। और क्योंकि बायंसी फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तो नीचे सपोर्ट लेने के लिए जो बायंसी फोर्स, जब एक्शन ऊपर लगेगा, लिक्विड लगाएगा इस ब्लॉक पे, ऊपर की तरफ बायंसी फोर्स लगाएगा, तो एक्शन का रिएक्शन नीचे भी लगेगा उतना ही। तो जितना फोर्स रिड्यूस होगा 2 kg में, यहां पर उतना ही फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, यानी 2 kg उतना ही, ये जो 5 kg वाला स्प्रिंग बैलेंस वाला ये जो वेइंग मशीन है, ये उतना ही वेट बढ़ा देगा।
तो यानी 2 केजी वाला पोर्शन यानी स्प्रिंग बैलेंस में वेट कम हो जाएगा, यानी मास कम शो करेगा, और यहां पर 5 केजी से ज्यादा वेट शो करने लगेगा। तो यहां पर ऊपर वाले स्प्रिंग बैलेंस ए में वेट कम होगा यानी फोर्स कम हो जाएगा, और यहां फोर्स बढ़ जाएगा बी में। तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है इसमें? सी वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट। रीडिंग ऑफ द बैलेंस ए विल लेस देन 2 केजी एंड दैट बी विल मोर देन 5 केजी। ठीक है, सी वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द फॉलोइंग डायग्राम पुली P1 इज मूवेबल एंड पुली P2 इज फिक्स्ड, द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी कितना होगा? इसमें देखो ये वेट लग रहा नीचे, इधर भी W सेम है दोनों का, तो इसमें थ्रेड में टेंशन T होगा, इसमें थ्रेड में टेंशन T होगा, क्योंकि एक ही थ्रेड है, तो थ्रू आउट ये पूरा टेंशन T के इक्वल होगा। तो यहाँ पे भी टेंशन T, W नीचे लग रहा है, टेंशन ऊपर है, तो T इज इक्वल टू W हो गया अगर ये रेस्ट पे है तो, अगर ये रुका हुआ है, पूरा सिस्टम रुका हुआ है तो। और यहां पर जो T है, ये एंगल थीटा है, अगर मैं यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं तो ये भी थीटा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर। तो इधर इस कंपोनेंट को क्या बोलेंगे, टी, अगर ये थीटा है तो टी कॉस थीटा इधर होगा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, टी साइन थीटा, ये वाला, इधर भी टी इधर लगेगा तो थीटा ये एंगल हो गया, तो ये वाला कंपोनेंट टी कॉस थीटा हो गया, ऊपर टी साइन थीटा। तो टी कॉस टी साइन थीटा और ये टी साइन थीटा वेट को बैलेंस कर रहा है, ये जो वेट है इसको बैलेंस कर रहा है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा, और T की वैल्यू W के इक्वल है, तो यहां पर आप लिख सकते हो 2T sin theta और T को W के इक्वल लिख दें, तो आप इसको लिख सकते हो W is equal to 2W sin theta, sin theta is equal to 1/2 ये आएगा, और 1/2 किसकी वैल्यू होती है sin में, sin 30 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? In the following figure, the pulley is massless and frictionless. The relation between T1, T2 and T3 कितना होगा? तो सबसे पहले देखो, अगर इसको मैं divide कर दूं horizontal और vertical component में, तो इधर होगा T1 का एक component होगा T1 cos theta, और T1 का दूसरा component होगा T1 sin theta. T2 का component कितना होगा? इस direction में T2 cos theta और horizontal component T2 sin theta. तो अगर ये पॉइंट जो है, ये सिस्टम ना लेफ्ट जा रहा है ना राइट जा रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, तो T1 sin थीटा और T2 sin थीटा इक्वल होगा। sin थीटा कटा, यानी T1 इज इक्वल टू T2, ये पॉइंट याद रहेगा। अब देखो, थ्रेड में टेंशन थ्रू आउट एक होता है, तो ऑब्वियसली बात है यहां पर भी T होगा, तो T3 की वैल्यू भी T के इक्वल हो गई, तो ऑब्वियसली बात है T1 T2 और T3 तीनों इक्वल हो गए, तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है? डी वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द फॉलोइंग फिगर द मासेस ऑफ द ब्लॉक ए एंड बी आर सेम एंड ईच इक्वल टू एम, द टेंशन इन द स्ट्रिंग OA, OA ये है, इसमें T2 है, ठीक है, और AB में T1 है रिस्पेक्टिवली, द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम विद अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स MG ऑन B, B पे एक हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट फोर्स लगाया जा रहा है राइट साइड में, तो अगर इसका FBD आप बनाओगे, अगर मैं यहां पर एक छोटा सा, तो नीचे MG लगेगा क्योंकि इसका मास m है, और इधर एक mg इधर लगाया जा रहा है एक्सटर्नल फोर्स, और थ्रेड में टेंशन जो है ये T1 है, तो ये अगर थीटा 1 है तो यहाँ एक कंपोनेंट जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा थीटा 1 होगा। इसको मैं थोड़ा सीधा कर दूं, ठीक है, इसको फोर्स को मैं थोड़ा सीधा कर दूं, ये फोर्स का डायरेक्शन होगा T1 और इसका वर्टिकल के साथ भी थीटा 1 बनेगा, तो ये T1 cos थीटा 1 हो गया और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट T1 sin थीटा 1 हो गया। इसका ये मतलब हुआ कि T1 cos थीटा 1 बैलेंस कर रहा है नीचे वाले MG को, और T1 sin थीटा 1 बैलेंस कर रहा है राइट साइड के MG को। इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 कहा, और दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दें अगर, तो क्या होगा, T1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस T1 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल टू MG का होल स्क्वायर प्लस MG का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो T1 स्क्वायर कॉमन ले लें, तो cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2m स्क्वायर g स्क्वायर हो जाएगा, और ये वैल्यू 1 होती है, तो T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर g स्क्वायर,
स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड का, तो रूट टू एम इंटू जी। तो टी वन की वैल्यू निकालना था हमको, रूट टू एम इंटू जी, ये बी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन ऑफ मास स्मॉल एम स्टैंड ऑन अ क्रेट ऑफ मास कैपिटल एम, ही पुल्स ऑन अ लाइट रोप पासिंग ओवर अ स्मूथ लाइट पुली, द अदर एंड ऑफ द रोप इज अटैच टू अ क्रेट फॉर द सिस्टम टू बी इक्विलिब्रियम। ठीक है, द फोर्स एग्जर्टेड बाई द मैन ऑन द रोप विल बी। देखो सबसे पहली चीज इसमें ये मैं आदमी है, इसका मास है m, तो एम जी फोर्स अर्थ की ग्रेविटी लगाएगी। ये क्रेट है यानी बॉक्स है जिसका मास कैपिटल m है, तो अर्थ इसको भी खींचेगी एम जी फोर्स लगा के। अब ये आदमी जो फोर्स लगा रहा है इस रोप पे टेंशन, तो टेंशन का जो डायरेक्शन होगा ऊपर की तरफ भी होगा, इसमें भी इसमें भी, और नीचे की तरफ जो फोर्स होगा वो कौन लगा रहा होगा, नीचे की तरफ जो फोर्स होगा वो लगा रहा होगा आदमी पुली पे, और ये जो फोर्स जो मैंने दोनों बनाए हैं पुली लगा रही है इस आदमी पे, और प्लस ये जो क्रेट है उस पे लगा रही है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम है, ठीक है इक्विलिब्रियम में है, तो ऊपर लगने वाले दोनों फोर्सेस और नीचे वाले दोनों फोर्सेस का सम इक्वल होना चाहिए। इट मींस टी प्लस टी इज इक्वल टू एम जी प्लस कैपिटल एम जी, नीचे लगने वाले दोनों फोर्सेस इक्वल होने चाहिए ऊपर लगने वाले दोनों फोर्सेस के, तो यानी 2t इज इक्वल टू m प्लस कैपिटल m इनटू g कॉमन ले लिया, तो t टेंशन इन द रोप जो होगा m स्मॉल m प्लस कैपिटल m इनटू g बाय 2 होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, b वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। अ 60 kg मैन स्टैंड्स ऑन अ स्प्रिंग स्केल इन द लेफ्ट, at some instant he finds scale reading has changed from 60 kg to 50 kg for a while and then comes back to the original mark, what should we conclude? to sabse pehle pehla option dusra option teesra chautha charo option ko pehle discuss kar lete hain, theek hai। yahan par dhyan dena hai ki jo weight hai 60 kg to 50 kg mein change ho raha hai, theek hai, iska matlab hai effective acceleration decrease kar rahi hai, तभी तो वेट डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो आपको मास तो डिक्रीज करता नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना है, पहले केस में लिफ्ट हैज अ कांस्टेंट फॉरवर्ड मोशन, यानी स्पीड की वैल्यू का डायरेक्शन किधर, ऊपर की तरफ, और एक्सेलरेशन क्या है, जीरो, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट मोशन कर रहा है, तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना होगा, जी के बराबर होगा। दूसरे ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन में क्या हो रहा है, स्पीड का डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ, ठीक है, डायरेक्शन मोशन का नीचे की तरफ, लेकिन कांस्टेंट मोशन है इसलिए एक्सेलरेशन इस केस में भी जीरो होगा, तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन इस केस में भी जी होगा, ठीक है। थर्ड केस में क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना, लिफ्ट व्हाइल इन कांस्टेंट मोशन अपवर्ड ऊपर की तरफ जा तो रहा है, मोशन का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, लेकिन सडनली स्टॉप होता है, स्टॉप सडनली, इसका मतलब है रिटार्डेशन हो रहा है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो अगर कोई बच्चा, कोई आदमी खड़ा है लिफ्ट में, तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे की तरफ होगा, लेकिन सूडो फोर्स इस केस में ऊपर की तरफ होगा, और उसकी वैल्यू m into a के बराबर होगी, तो जो नेट फोर्स होगा इस केस में कितना हो जाएगा, इफेक्टिव g की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इफेक्टिव g की वैल्यू हो जाएगी g माइनस a, ये पॉइंट याद रखना। तो नेट फोर्स जो होता है एफ जी माइनस एफ ए, यानी सूडो फोर्स एफ पी, एफ जी की वैल्यू है एम जी माइनस एम ए, और एम कॉमन ले लें तो जी माइनस ए, यही इफेक्टिव एक्सेलेरेशन है जी माइनस ए, तो इफेक्टिव एक्सेलेरेशन डिक्रीज कर रहा है, तभी तो वेट भी डिक्रीज करेगा। और चौथे केस में क्या हो रहा है, सडनली स्टॉप कब, जब मोशन अप डाउनवर्ड हो रहा है, मोशन नीचे की तरफ है और सडनली जो है वो स्टॉप हो रहा है, इसका मतलब है एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर कोई बच्चा इसमें खड़ा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स एमजी नीचे की तरफ लगेगा और साथ ही साथ सूडो फोर्स भी नीचे लगेगा, तो जो नेट फोर्स इस पर्टिकुलर केस में होगा वो होगा एफ जी प्लस एफ पी, तो एफ जी की वैल्यू एम जी और एफ पी की वैल्यू एम इन टू ए, तो ये क्या हो जाएगा, एम कॉमन लेना जी प्लस ए, तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन इस केस में क्या हो जाएगा, जी प्लस ए, यानी वेट बढ़ जाना चाहिए लेकिन डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है थर्ड केस ज्यादा अप्रोप्रिएट है, सी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है,
A monkey of mass 20 kg is holding a vertical rope. The rope will not break when a mass of 25 kg is suspended from it, but will break if the mass exceeds 25 kg. What is the maximum acceleration with which the monkey can climb up along the rope? देखो सबसे पहली बात, एक रोप है मान लो, उस पर 25 kg का मास हैंग किया गया है, तो m इंटू जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, g की वैल्यू अगर 10 कंसिडर कर लें तो जो ग्रेविटी जो फोर्स लगाएगी इस 25 kg के मास पे, तो 25 इंटू 10 इंटू 50 न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, यानी थ्रेड में टेंशन भी कितना मैक्सिमम हो सकता है, 250 न्यूटन का फोर्स इस थ्रेड पे लग सकता है, इस रोप पे लग सकता है। अब इस रोप पे अगर मंकी है, मान लो ये मंकी है जिसका मास m है, m की वैल्यू 20 किलोग्राम है, और ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो स्मॉल mg तो नीचे लगेगा ही लगेगा, इसका मास और अर्थ की ग्रेविटी, और क्योंकि a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो सूडो फोर्स नीचे लगेगा, ठीक है, पॉइंट याद करो सूडो फोर्स का, तो सूडो फोर्स अगर नीचे लगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, m इंटू ए, तो नीचे लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स और सूडो फोर्स दोनों, तो नेट फोर्स f नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस सूडो फोर्स, तो दोनों का सम कितना होगा, m इंटू जी प्लस m इंटू ए, m कॉमन ले लो g प्लस a, m की वैल्यू है 20, g की वैल्यू 10, a की वैल्यू आपको निकालना है, तो जो नेट फोर्स होगा वो मैक्सिमम टेंशन के इक्वल होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू कितनी है, 250, तो यानी 250 न्यूटन इज इक्वल टू 20 इंटू 10 प्लस ए, जीरो से जीरो कटेगा, इसको क्या ले सकते हैं, ए प्लस 10 इज इक्वल टू 25 बाई 2, यानी ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू 12.5, ये होगा 12.5, देखो इसको इधर लिखते रहे, a प्लस 10 इज इक्वल टू, ये मेरे पीछे आ जा रहा है 12.5, a इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, करेक्ट है, याद रहेगा, तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट हुआ, कौन सा 2.5, सी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, थ्री ब्लॉक्स ऑफ मासेस 2 kg, 3 kg एंड 5 kg आर कनेक्टेड to each other with light string and are then placed on a frictionless surface as shown in the figure. The system is pulled by a force F is equal to 10 Newton. Then the tension T1 की वैल्यू कितनी होगी? तो यहाँ ध्यान रखना है कि ये T1 और T2 यहाँ दिख रहा है थ्रेड में जो टेंशन है वो इंटरनल फोर्सेस है, एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ एक 10 न्यूटन का है, तो अगर ये तीनों मासेस को एक मास हम कंसिडर कर लें, जैसे 2 + 3 = 5, 5 + 5 = 10 kg का मास कंसीडर कर लें, तो इसमें सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, लेफ्ट साइड में, और ये फोर्स की वैल्यू जो है 10 न्यूटन की है, तो बॉडी में एक्सेलरेशन भी लेफ्ट साइड में होगा, तो एफ नेट इज इक्वल टू क्या होता है, एमटी इनटू ए, सिर्फ एक फोर्स एफ लग रहा है और टोटल मास कितना हो गया, तीनों का मास ऐड कर दें तो 10 kg इनटू एक्सेलरेशन, F की वैल्यू कितनी है 10 न्यूटन है, तो 10 इज इक्वल टू 10 इनटू a, तो एक्सेलरेशन कितना होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ये तीनों बॉडीज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से तीनों इधर चल रही होंगी, और हमको T1 फाइंड आउट करना है इस थ्रेड का टेंशन, तो ये जो थ्रेड का जो टेंशन है वो दोनों तरफ लगता है, ठीक है, एक्शन रिएक्शन है, ब्लॉक लगाएगा 2 kg का ब्लॉक लगाएगा 3 kg पे लेफ्ट साइड में, और 3 kg का ब्लॉक लगाएगा 2 kg के ब्लॉक पे राइट साइड पे, तो अगर आप FBD बना लो 2 kg का, ये मैं FBD बना रहा हूं 2 kg का, तो F न्यूटन जो 10 न्यूटन का वैल्यू है वो लेफ्ट साइड में लग रहा है, और थ्रेड का जो टेंशन है वो T1 राइट साइड में लग रहा है, जो 3 kg वाला ब्लॉक 2 kg वाले ब्लॉक पे लगा रहा है, बॉडी में एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड में है, तो कौन बड़ा होगा, 10 इज ग्रेटर देन T1, तो F नेट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये 2 kg का ब्लॉक है तो M1 इसको कह दो, इसको M1 कहा, इसको M2 कहा, इसको M3 कहा, तो M1 into A, तो नेट फोर्स कितना हो गया, 10 माइनस T1 इज इक्वल टू मास कितना है M1, 2 kg into acceleration कितना है 1, तो T1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 10 माइनस 2 इट मींस 8 न्यूटन, T1 की वैल्यू आ गई, कौन सा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, सी वाला ऑप्शन ज्यादा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, Two blocks are connected by a string as shown in the diagram. The upper block is hung by another string.
A force F applied on the upper string produces an acceleration of 2 meter per second square in the upward direction in both the blocks. If T and T dash be the tension in the two parts of the string, तो इसको TT फिगर में तो TT लग रहा है, हम इसको T dash इसको कर देते हैं और इसको T रहने देते हैं. तो force ऊपर जो लगाया जा रहा है, इससे acceleration इसमें भी होगा, A acceleration और इसमें भी A acceleration होगा क्योंकि दोनों connected हैं. तो ऊपर जो टेंशन लग रहा है वो देखो, टेंशन का डायरेक्शन ऊपर नीचे दोनों तरफ होगा. तो ये जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो वही आपका फोर्स टेंशन के इक्वल है, ठीक है. तो अगर मैं इस ब्लॉक का एफबीडी बनाऊं, तो ध्यान से देखना, इस ब्लॉक का अगर एफबीडी बनाऊं 2 kg का, तो ऊपर एफ यानी टी लग रहा है और नीचे दो फोर्सेज लग रहे हैं. एक देखो टी डैश का डायरेक्शन नीचे भी होगा और ऊपर भी होगा, तो नीचे कौन लगा रहा होगा, 4 kg वाला ब्लॉक जो है 2 kg पे नीचे की तरफ ये टी डैश का टेंशन लगा रहा है, और ऊपर जो टेंशन लग रहा है वो 2 kg वाला ब्लॉक 4 kg पे लगा रहा है, ये पॉइंट याद रखना. तो इस 2 kg वाले ब्लॉक पे इसका ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग ही रहा है m into g, ठीक है, यानी m की वैल्यू कितनी इस केस में 2 kg, और आपका जो टेंशन है टी डैश वो भी लग रहा है, करेक्ट है. 2 kg वाले ब्लॉक पे ये टेंशन भी नीचे लग रहा है और ग्रेविटेशन फोर्स भी लग रहा है. तो और अगर ब्लॉक का डायरेक्शन मोशन का ऊपर है तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन, एफ नेट इज इक्वल टू एम इनटू ए एफबीडी के अकॉर्डिंग. तो नेट फोर्स किधर लग रहा है, नेट फोर्स की वैल्यू ऊपर की तरफ है, तभी तो बॉडी में एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रहा है. इट मीन्स एफ माइनस टी डैश माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए. अब ये F की वैल्यू T के इक्वल है, इस वाले T के इक्वल, ऊपर वाले थ्रेड के टेंशन के इक्वल है, तो F की जगह T रख दिया, T माइनस T डैश माइनस mg इज इक्वल टू ma, करेक्ट है, ठीक. अच्छा, अब एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 2 m/s² ये दिया हुआ है, तो ये वैल्यू यहां रखी जा सकती है, ठीक है. और मास दोनों ब्लॉक का दिया हुआ है, ठीक है. तो ये इक्वेशन हमारा हो गया एक, अभी इसको इक्वेशन 1 कहते हैं, इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है. ये मेरे पीछे आ जा रहा है तो इसको मैं थोड़ा अपने आप को शिफ्ट कर लेता हूं, ठीक है. अब जरा देखो इसमें दूसरे क्या एफबीडी हम बनाते हैं, 4 kg वाले ब्लॉक का एफबीडी बना रहे हैं और उसमें थ्रेड का टेंशन टी डैश ऊपर लग रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स इस ब्लॉक का नीचे लग रहा है एम इंटू जी, और ये पूरा ब्लॉक ऊपर मूव कर रहा है, इसका मतलब टी डैश बड़ा है एफ जी से, ग्रेविटेशनल फोर्स से. तो इसमें F नेट इज इक्वल टू क्या होगा, कितना होगा, इसको M2 एक कह दो, इसको M1 एक कह दो, M1 कह दो इसको, M1 M1, ठीक है. तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, T डैश माइनस FG इज इक्वल टू M2 इनटू A. अब इस इक्वेशन में ध्यान देना, और इस इक्वेशन में यहां FG की वैल्यू पुट करते हैं, अभी FG की वैल्यू पुट नहीं कीजिए, M इनटू G, ये M2G होगा, m2g इक्वल टू m2a. अब ये वैल्यू अगर यहां पुट की जाए, m2 की वैल्यू कितनी है, 4 kg, m2 है 4 kg, सो t डैश इज इक्वल टू t डैश माइनस, अगर इक्वल टू उधर भेज दिया जाए तो m2 ब्रैकेट में g प्लस a हो जाएगा, m2 की वैल्यू 4 kg, g की वैल्यू अगर 10 कंसीडर कर ली जाए, 9.8 या 10 रख दो, 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 4 × 12, टी डैश इज इक्वल टू 48 आ जाएगा न्यूटन, अगर 9.8 रखोगे तो थोड़ा सा कम आ जाएगा टी डैश की वैल्यू, तो 48 के आसपास, तो ये दोनों ऑप्शन है टी डैश, यानी ए बी में से कोई भी हो सकता है. अब यहां रखते हैं, सो टी इज इक्वल टू क्या होगा, टी डैश इस इक्वेशन में राइट साइड को शिफ्ट कर दे, टी डैश को भी, और एम वन जी, ये भी एम वन जी होगा ना, ये एम वन, एम वन जी प्लस एम वन ए, ठीक है, मेरे पीछे आ जाएगा, ये भी नहीं आएगा, चल. So, T dash की वैल्यू 48 कर दो और M1 कॉमन लेके G प्लस A कर दो, कितना हो जाएगा ये, T is equal to 48 प्लस M1 की वैल्यू 2 into 10 प्लस 2 12 हो जाएगा, 12 into 2 कितना आएगा, 12 into 2 24, 24 प्लस 48 कितना हो जाएगा ये 72 हो जाएगा, 72 आ जाएगा. So, T की वैल्यू 72 आ गई, 72 आ गई, और T डैश की वैल्यू कितनी आई, 48, तो
तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है? ए वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट है, क्यों? क्योंकि हमने जी की वैल्यू 10 कंसिडर किया, अगर जी की वैल्यू 9.8 कंसिडर करोगे ना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एग्जैक्टली वही वैल्यू आ जाएगी जो यहाँ लिखी हुई है। तो हम लोग जनरली जब भी इस तरह के केसेस में जो नजदीक वैल्यू होती है, जो आंसर आपका आ रहा है वैल्यू, जो क्लोजेस्ट आंसर होता है वही आप आंसर मार्क करोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन रीड करो। द एडजेसेंट फिगर इज अ पार्ट ऑफ अ हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच्ड नेट, द सेक्शन ए बी इज स्ट्रेच्ड विद अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। ये ए बी सेक्शन है, 10 न्यूटन का फोर्स लगा के इसको स्ट्रेच किया गया है। द टेंशन इन द सेक्शंस बी सी एंड बी एफ, बी सी ये वाला सेक्शन है, बी सी और बी एफ इधर फोर्स लगाया गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए लेमिस थ्योरम का हम यूज करेंगे, लेमिस थ्योरम। इसमें जैसे एक पॉइंट है जिसपे तीन फोर्सेज लग रहे हैं, एक इधर और एक इधर। एज्यूम करो इसको एफ वन कंसिडर कर लेते हैं, इसे एफ टू और इसे एफ थ्री कंसिडर कर लेते हैं। एफ वन के सामने का एंगल अल्फा है, एफ टू के सामने का एंगल बीटा है, एफ थ्री के सामने का एंगल गामा है। तो लेमिस थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है साइन अल्फा अपॉन एफ वन इज इक्वल टू साइन बीटा अपॉन एफ टू इज इक्वल टू साइन गामा अपॉन एफ थ्री। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, एफ वन अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू एफ टू अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू एफ थ्री अपॉन साइन गामा। तो एफ वन की जगह 10 न्यूटन है तो यहाँ पुट कर दिया हमने। अच्छा, ये एंगल 120, ये 120, तो ऑब्वियस बात है ये भी 120, यानी अल्फा 120 हो गया। तो साइन 120 इज इक्वल टू एफ टू को टी वन हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर, और एफ थ्री को हम टी टू कंसिडर कर लेते हैं। तो क्या होगा, टी वन अपॉन साइन ये कितना होगा, टी वन के सामने का एंगल 120 है, तो ये साइन 120 हो जाएगा इज इक्वल टू टी टू अपॉन साइन 120। तो साइन 120 तीनों जगह है तो कट जाएगा, 10 इज इक्वल टू टी वन इज इक्वल टू टी टू, यानी दोनों जो नेट का जो पोर्शन है बी सी और बी एफ दोनों में टेंशन की वैल्यू सेम होगी, वो कितनी होगी 10 न्यूटन। तो सी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ स्फीयर इज एक्सेलरेटेड अपवर्ड्स विद द हेल्प ऑफ अ कॉर्ड हुज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज 5 टाइम्स इट्स वेट। द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विद विच द स्फीयर कैन मूव अप विदाउट कॉर्ड ब्रेकिंग। तो सबसे पहले एक कॉर्ड है, इसमें एक स्फीयर लगा हुआ है, मान लो ये मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, इसका मास एम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा, और अगर ए एक्सेलरेशन से ये ऊपर अज्यूम कर ले जा रहा है तो सूडो फोर्स नीचे लगेगा एफ पी, उसकी वैल्यू एम इंटू ए होगी। तो नेट फोर्स एफ नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस सूडो फोर्स, और ये वैल्यू होगी एम जी प्लस एम ए। तो एम कॉमन ले लें तो जी प्लस ए, इफेक्टिव एक्सेलरेशन आ गया जी प्लस ए, करेक्ट है। तो इतना फोर्स लगेगा इस स्ट्रिंग पे, ठीक है, इस रोप कहो कॉर्ड कहो जो कहो, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी होगी, 5 टाइम्स ऑफ द वेट। अगर mg ही वेट है, ये इसका वेट है, तो क्या होगा, ये वेट का 5 टाइम्स, वेट का 5 टाइम्स मींस 5w मींस 5mg। तो इसको अगर सॉल्व करें तो m इंटू जी प्लस m इंटू ए इज इक्वल टू 5mg, और इसको सॉल्व करेंगे तो m इंटू ए इज इक्वल टू 4mg, यानी एक्सेलरेशन 4g के इक्वल हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, 4g ए वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ ब्लॉक ऑफ मास 7 kg इज प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल, द थ्रेड टाइज टू इट पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली एंड कैरीज अ बॉडी बी, ठीक है, मास 3 kg, ठीक है, बी के का 3 kg मास है और ए का 7 kg, इसका 7 kg है। तो एट द अदर एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, तो सबसे पहली बात करो ये एम बी है 3 kg, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो इस पे लगेगा वो एम बी इंटू जी लगेगा, और इस पे एक ही एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, बाकी जो थ्रेड का जो टेंशन है वो तो इंटरनल फोर्स हो गया ना, ठीक है। तो नेट फोर्स अगर पूरे सिस्टम को एक मान लिया, जैसे जैसे इसको ए कहा इसको बी कहा, तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है एम बी इंटू जी राइट साइड में। तो अगर पूरे सिस्टम को, यानी ये 7 kg है ये 3 kg है, यानी 7 + 3 10 हो गया, 10 kg पे अगर
m की वैल्यू है 10, तो 3, m की वैल्यू 3 है, 3 इंटू जी की वैल्यू 10, 30 न्यूटन, 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है राइट साइड में। अगर 30 न्यूटन का फोर्स राइट साइड में लग रहा है तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम टी इंटू ए, नेट फोर्स एक ही फोर्स है 30 न्यूटन का, तो 30 इज इक्वल टू टोटल मास कितना हुआ 10 इंटू ए, एक्सलेशन कितना होगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सलेशन होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो मासेस हैं, टू मासेस एम एन एम एम टू आर अटैच टू अ स्ट्रिंग विच पासेस ओवर अ फ्रिक्शन लेस स्मूथ पुली व्हेन एम वन और एम टू की वैल्यू दी हुई है, एक्सेलरेशन सिस्टम का क्या होगा। तो देखो 10g नीचे लगेगा इधर और 6g इधर लगेगा, तो अगर देखा जाए अगर दोनों मासेस को एक हॉरिजेंटल डायरेक्शन में रख दिया जाए तो लेफ्ट साइड में 10g लग रहा है और राइट साइड में 6g लग रहा है, दोनों को एक बना दिया जाए क्योंकि 10 और तो इसको 16 कह देते हैं, तो इधर 10g लग रहा है और इधर 6g लग रहा है, तो बॉडी किधर चलेगी, पूरा सिस्टम लेफ्ट साइड चलेगा। तो अल्टीमेटली इधर से देखा जाए तो एक्सेलेरेशन इसका m1 का नीचे की तरफ होगा और m2 का ऊपर की तरफ होगा, तो एक्सेलेरेशन एफ नेट इज इक्वल टू क्या होगा, एम टी इंटू ए, एफ नेट की वैल्यू कितनी होगी 10g-6g, तो 10g-6g 6g इज इक्वल टू एम टी की वैल्यू कितनी होगी, पूरे सिस्टम का मास 16 है, 16 ए ये कितना हो जाएगा 4g इज इक्वल टू 16 ए, तो एक्सेलेरेशन ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4g/16, जी की वैल्यू है 10 अगर कंसिडर कर लें तो 10/16 कितना हो जाएगा, ये 4 हुआ 10/4 कितना होगा 5/2, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये एक्सेलेरेशन होगा पूरे सिस्टम का, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। टू मासेस एम एन एम टू आर अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग व्हिच पासेस ओवर अ पुली अटैच्ड टू द टॉप ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन इज थीटा, और उसकी वैल्यू दी हुई है, हाँ दिया हुआ 30 डिग्री, एम वन एंड एम टू की वैल्यू दिया हुआ है 10 और 5 kg, ये 10 kg है ये 5 kg है, नीचे फोर्स लगेगा 5g और इधर कितना लगेगा, अगर ये 30 डिग्री है तो जनरली होता है mg sin थीटा, तो m की वैल्यू 10 g की वैल्यू दिया है नहीं दिया है, तो हम 10 कंसिडर कर, हाँ दिया तो है यहाँ पर, तो 10 कंसिडर कर लेते हैं, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 100/2 50 न्यूटन का लेफ्ट साइड में लग रहा है, और ये इधर कितना लग रहा है जी की वैल्यू 10 है, तो ये भी तो 50 न्यूटन हो गया, तो ऑब्जेक्ट रुका रहेगा, रेस्ट पे रहेगा, चलेगा ही नहीं, तो ये तो जीरो हो गया ना कंडीशन, क्योंकि इधर भी लेफ्ट साइड में भी 50 न्यूटन लग रहा है, नीचे भी 50 न्यूटन, इट मीन्स जैसे अगर दोनों को हॉरिजेंटली अगर मैं प्लेस करूं m1 m2, इधर भी 50 न्यूटन का लग रहा है, इधर भी 50 न्यूटन का लग रहा है, तो क्या ऑब्जेक्ट चलेगा, रेस्ट में रहेगा, क्योंकि दोनों का मास m1 प्लस m2 अगर है तो 50 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, 50 न्यूटन का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो क्या बॉडी मूव करेगी, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर किसी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, मान लो पहले से चल रही थी तो उसी स्पीड से चलती रहेगी, यानी एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगी, जीरो, कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। टू ब्लॉक्स आर अटैच्ड टू द टू एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ स्मूथ पुली एज शोन इन द फिगर, द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी कितना होगा, तो ये 37 डिग्री का एंगल है, ये 53 डिग्री का एंगल है, मास जो है इसका m1 100 किलोग्राम है, इसको m2 कह दो 50 किलोग्राम का है, तो अलोंग द प्लेन जो फोर्स लगेगा m1g sin 37 इधर लगेगा जो इसको मूव कराना चाहता है, दूसरा इस पे जो फोर्स लगेगा m2g sin 53 लगेगा जो इसको प्लेन के अलोंग मूव कराना चाहता है, तो दोनों की वैल्यू पहले कंफर्म कर लेते हैं, m1g sin 37, उससे पहले sin 37 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 3/5, और sin 53 की वैल्यू कितनी होती है, 4/5 होती है, तो अगर मैं ये वैल्यू रखूं, m की वैल्यू है 100 किलोग्राम, 100 kg, g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड कंसिडर कर लेते हैं, sin 37 की वैल्यू 3/5, अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं तो ये 2 होगा, 2 × 3 6, 6 × 100 600 न्यूटन आ गया इधर वाले फोर्स की वैल्यू, 600 न्यूटन जो नीचे की तरफ लेफ्ट साइड में लग रहा है। अब m2g sin 53 की वैल्यू कितनी होगी, m2 की वैल्यू है 50 किलोग्राम,
तो 50 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू साइन 53 की वैल्यू 4/5, सो 4/5 इधर रखा, 5 से 5 10 टाइम गया, 10 टाइम गया, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 4 400, 400 न्यूटन हुआ। तो अगर इन दोनों ब्लॉक्स को अगर मैं हॉरिजेंटली रख दूं 100 केजी और 50 केजी, और इस पे फोर्स लग रहा है लेफ्ट साइड में 600, इधर लग रहा है 400 न्यूटन, और एक ब्लॉक बना दूं अगर 150 किलोग्राम का, तो 600 इधर लग रहा है और 400 इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो गया, एफ नेट इज इक्वल टू हो जाएगा एम टी इंटू ए। नेट फोर्स कितना हो गया, 600 माइनस 400 इज इक्वल टू एम टी की वैल्यू 150 किलोग्राम, 150 इंटू ए, एक्सेलेरेशन ए चाहिए, ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा 200, 200 डिवाइडेड बाई 150 इज इक्वल टू, जीरो से जीरो गया, 20/15 ये कितना आना चाहिए, ये ऑलमोस्ट 1.33 आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलेरेशन होगा इस पूरे सिस्टम का, किधर बॉडी का मोशन होगा, इधर लेफ्ट साइड में, क्योंकि ये 600 है, 600 न्यूटन ज्यादा है, तो इसका एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ होगा, इतना 1.33 से। कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट है, आई थिंक इसमें ऑप्शन अप्रोप्रिएट नहीं, ये वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, बस इसमें क्या करना है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, 1.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए, ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ये एरर है, तो बी वाला ऑप्शन होना चाहिए था अगर 1.33 होता तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। टू पुली अरेंजमेंट्स शोन इन द फिगर आर आइडेंटिकल, द मास ऑफ द रोप इज निग्लेक्जिबल, इन ए द मास एम इज लिफ्टेड अप बाय अटैचिंग अ मास 2m टू द अदर एंड ऑफ द रोप, इन बी एम इज लिफ्टेड अप बाय पुलिंग द अदर एंड ऑफ द रोप विद अ कॉन्स्टेंट डाउनवर्ड फोर्स 2mg, द रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द टू केसेस विल बी। तो इन दोनों केसेस में एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, एफ नेट इज इक्वल टू एम टी इंटू ए। ये फॉर्मूला कब यूज किया जाता है, जब कनेक्टेड बॉडीज को पूरे को, कनेक्टेड बॉडीज के पूरे सिस्टम को एक बॉडी कंसिडर की जाती है, और उसमें जो नेट फोर्स लग रहा होता है, जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होता है, उसे एफ नेट बोला जाता है, और जो एम टी होता है वो टोटल मास होता है पूरे सिस्टम का। तो अगर पहले केस में एम जी नीचे लग रहा है और इसमें 2mg नीचे लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो अगर मैं इसको सीधा कर दूं, इन दोनों बॉडीज को अगर सीधा कर दूं, ठीक है, ऐसे करके सीधा कर दूं, तो क्या होगा, mg यानी हॉरिजॉन्टल कर दूं, तो mg लेफ्ट साइड में लगेगा और 2mg राइट साइड में लगेगा, यानी इस पूरे सिस्टम को एक मास बना दूं, m और 2m को 3m कर दिया मैंने, तो mg इधर लग रहा है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 2mg लग रहा है। तो अब MT की वैल्यू क्या हो गई, ये MT की वैल्यू हो गई इस केस में 3m के बराबर, और Fnet की वैल्यू क्या हुई, Fnet की वैल्यू हुई इधर 2mg इधर mg, तो दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा mg, यानी 2mg माइनस mg, ये आ जाएगा Fnet की वैल्यू mg के इक्वल आ गई। अब ये वैल्यू हम इस Fnet वाले फॉर्मूले में रखेंगे केस वन में, तो हम यहां रखते हैं Fnet इज इक्वल टू MT इंटू ए, Fnet की जगह mg पुट किया, टोटल मास की जगह मैंने क्या बोला था, पूरे सिस्टम का मास 3m यूज करेंगे इनटू a, ये पहले केस का एक्सेलरेशन है इसलिए a1 क्या दे रहे हैं। ठीक है, तो a1 की वैल्यू क्या आएगी, m से m कटा, g/3 आएगी, a1 की वैल्यू g/3। अब इसमें बात करते हैं, इसमें सिर्फ एक mg फोर्स लग रहा है क्योंकि थ्रेड का मास जीरो है और ये एक्सटर्नल फोर्स है f इक्वल टू, तो अगर आप ध्यान दो तो इसमें MT की वैल्यू कितनी है इस केस में, इसमें तो पहले वाले केस में MT की वैल्यू 3m थी, लेकिन इस केस में सिर्फ एक मास है तो MT की वैल्यू एक होगी, ठीक है, 1m होगी। तो इसमें अगर Fnet आप यूज करोगे, Fnet इज इक्वल टू MT इंटू ए, तो 2mg नहीं इधर लग रहा है और 1mg इधर लग रहा है, तो एक बॉडी है तो इसमें लेफ्ट साइड में mg लग रहा है, राइट साइड में 2mg लग रहा है, तो Fnet की वैल्यू तो mg के इक्वल होगी, फिर से वही mg के इक्वल होगी। अब यहां mg यहां पुट कर दिया, टोटल मास कितना है इस सिस्टम का, सिर्फ एक सिंगल m इंटू a2 इसको कह दिया क्योंकि सेकंड बॉडी की बात कर रहे हैं, सेकंड सिस्टम की, तो a2 इज इक्वल टू g के इक्वल हो जाएगा। तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या आ गई, g/3 अपॉन g, यानी 1/3 आ गई, 1/3 कौन सा ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन द एडजॉइनिंग फिगर M1 इज इक्वल टू 4 M2 द पुलीज आर स्मूथ एंड लाइट एट टाइम t इज इक्वल टू 0 द सिस्टम इज एट रेस्ट इफ द सिस्टम इज रिलीज एंड इफ द एक्सेलरेशन ऑफ मास M1 इज a देन द एक्सेलरेशन ऑफ M2 कितना होगा। तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये ग्राउंड पे है कनेक्टेड है M2 और ये M1 है ऊपर 20 meter तो ये मोशन ऊपर करेगा और इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, ठीक है। और अगर इसका एक्सेलरेशन ए है तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, ये चीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एक पुली ब्लॉक सिस्टम है या मान लो ये ब्लॉक है, ये पुली के ऊपर थ्रेड होते हुए यहाँ कनेक्ट कर रहा है और पुली को मूव कराया जा रहा है एक्स मीटर। मान लो एक और फिगर मैं बना के इसको थोड़ा सा और एलिबरेट कर दूं, ठीक है। पुली यहां से शिफ्ट करके यहां आ गई, ठीक है। तो ये ब्लॉक कितना शिफ्ट होता है इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर ये पुली x मीटर ट्रेवल की है तो ये ब्लॉक जो है वो 2x मीटर ट्रेवल करता है। इसकी वेलोसिटी अगर v है तो इसकी वेलोसिटी 2v होती है, इसका एक्सेलरेशन अगर a है तो इसका एक्सेलरेशन 2a होता है। सिमिलरली अगर ये पुली मूव कर रही है मान लो नीचे की तरफ a एक्सेलरेशन से, तो ये पॉइंट भी 2a एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये कनेक्टेड है यहां से यहां तक, तो अगर ये पॉइंट अगर मूव करेगा 2 एक्सेलरेशन से नीचे तो ये ब्लॉक 2a एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये चीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए अगर इसका M1 का एक्सेलरेशन जो क्वेश्चन में ऑलरेडी कह रहा है कि a एक्सेलरेशन है, चाहे ये नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, अगर इसका एक्सेलरेशन अगर a है तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन 2a होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन। ये पॉइंट याद रखना है, जितना एक्सेलरेशन इस M1 ब्लॉक का होगा उसका डबल M2 का होगा, क्योंकि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन डबल है। ये पॉइंट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके लिए आंसर क्या होगा, डी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, 2a एक्सेलरेशन इस M2 का होगा। अब चाहे वो ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, इस M1 को आप चाहे नीचे एक्सेलरेट करो चाहे ऊपर एक्सेलरेट करो, M2 का एक्सेलरेशन इसका जस्ट डबल होगा, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी इन द फिगर विल बी कितना होगा, इस बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो देखो इस ब्लॉक पे अर्थ की ग्रेविटी फोर्स लगाएगी M2g, इस ब्लॉक M1 पे फोर्स लगाएगी M1g, लेकिन ये M1g मोशन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है और ये ब्लॉक कर चल सकता है तो हॉरिजॉन्टली इस प्लेन के ऊपर, तो एक्सटर्नल फोर्स जो हुआ सिर्फ M2g हुआ। अच्छा, थ्रेड में जो टेंशन होता है जनरली वो एक्सटर्नल फोर्स जो है नहीं होता है, वो इंटरनल फोर्स सिस्टम का कंसिडर किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर सिंगल बॉडी का जब भी FBD आप बनाते हो तो उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस को शो किया जाता है, तो उसमें ये जो थ्रेड का टेंशन है वो फिर आप यूज करोगे, ठीक है। लेकिन पूरे सिस्टम पे अगर आप नेट फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो तो उसमें टेंशन यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस पे अगर इस थ्रेड में टेंशन T है तो यहाँ पे भी T होगा, यहाँ पे भी T होगा, तो यहाँ पर इस थ्रेड में टेंशन 2T के इक्वल होगा। अगर ये बॉडी A एक्सेलरेशन से नीचे जा रही होगी तो ये पॉइंट 2A एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा होगा, ये तो जीरो फिक्स एक्सेलरेशन का जीरो है, ये तो क्योंकि सीलिंग के साथ फिक्स हो गया, ठीक है। अगर ये पॉइंट 2A एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो ये ब्लॉक भी 2A एक्सेलरेशन से राइट साइड जा रहा होगा। तो अगर मैं इसका FBD बनाऊं M1 ब्लॉक का, तो राइट साइड में एक टेंशन हो गया, नीचे M1g हुआ और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन N1 मान लेते हैं वो M1g के इक्वल होगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन है 2a, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ एक ही थ्रेड में टेंशन जो है इस ब्लॉक पे लग रहा है थ्रेड के थ्रू, ये इसको मूव कराना चाह रहा है, तो Fnet इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 into A, ठीक है। और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 2a, तो यहां पर हम लिख देंगे T इज इक्वल टू M1 into 2a, तो T की वैल्यू हो गई 2m1a के इक्वल। अब इसका FBD बनाते दूसरे बॉडी का, दूसरे बॉडी का FBD बनाएंगे यानी M2 का, तो ये होगा M2g, थ्रेड में जो टेंशन लग रहा है वो 2t ऊपर की तरफ लग रहा है, यानी इस ब्लॉक पे जो टेंशन लग रहा है 2t ऊपर की तरफ लग रहा है, जो पुली लगा रही है ये वाली पुली। और अगर इसका एक्सेलरेशन a नीचे की तरफ है, इट मींस M2g बड़ा है 2t से, तो अगर मैं Fnet इस पे लगाऊं, Fnet इज इक्वल टू m
एम टू इंटू ए, तो एक्सेलेशन तो ए ही है, तो एफ नेट की वैल्यू क्या होगी, एम टू जी माइनस टू टी इज इक्वल टू एम टू ए। अब टी की जगह यहां से टू एम वन ए रख दें, तो मैं यहां लिख देता हूं एम टू जी इज इक्वल टू सॉरी माइनस टू इंटू टू एम वन ए इज इक्वल टू एम टू ए। थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, एम टू जी माइनस फोर एम वन ए इज इक्वल टू एम टू ए, ठीक है। तो मैं उधर इसको भेज दूं, अगर एम टू जी इज इक्वल टू ए कॉमन ले लें तो एम टू प्लस फोर एम वन ये हो जाएगा, एक्सेलेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सेलेशन मैं यहां लिख दे रहा हूं, एक्सेलेशन इज इक्वल टू एम टू अपॉन एम टू प्लस फोर एम वन इंटू जी, ये वैल्यू होगी एक्सेलेशन की, बी ब्लॉक के एक्सेलेशन की। कौन सा ऑप्शन सही है, एम टू जी अपॉन फोर एम वन, ये पहला ही वाला ऑप्शन अप्रोप्रिएट है। देखो एम टू जी ठीक लिख रहे हैं ना, कुछ गलती तो नहीं है, देख लो, हाँ ठीक है, यही वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ए वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, टू ब्लॉक्स आर इन कॉन्टेक्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल, वन हैज मास स्मॉल m, द अदर 2m, as shown in the figure, फोर्स f is applied on mass 2m, यानी इधर से फोर्स लगाया गया, देन सिस्टम मूव्स टुवर्ड्स राइट, ठीक है, नाउ द सेम फोर्स f is applied on small m, यानी इधर से फोर्स लगाया जा रहा है, द रेशियो ऑफ फोर्स ऑन कॉन्टैक्ट, यानी दोनों ब्लॉक के बीच में जो दोनों सिनेरियो में फोर्स एक्शन रिएक्शन जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, दो डिफरेंट केसेस हैं तो उसको सॉल्व करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, पहला केस ये 2m का मास है, ये m है, ये 2m, ये m, फोर्स इधर से लगाया जा रहा है, यानी बड़े वाले मास पे f न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, तो दोनों बॉडी एक ही एक्सेलरेशन से, पहला सिचुएशन है तो a1 एक्सेलरेशन से चलेगी दोनों मासेस, तो अगर मैं f net अप्लाई करूं, f net is equal to mt into a, तो नेट फोर्स कितना लग रहा है, सिर्फ सिंगल फोर्स है क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स लग नहीं रहा है, एक्सटर्नल फोर्स वो कंसीडर किया जाता है, ठीक है, तो सिर्फ एफ न्यूटन का फोर्स लगेगा, मास कितना होगा 3m, क्योंकि 2m प्लस m टोटल मास सिस्टम का, इसको a1 एक्सेलरेशन हमने कंसीडर किया क्योंकि ये पहला केस है, तो a1 की वैल्यू हो जाएगी f अपॉन 3m, ये हो जाएगी। अब अगर मैं बात करूं कि इसमें एक्शन रिएक्शन, नॉर्मल एक्शन रिएक्शन जो लग रहा है n1 पहले केस के अकॉर्डिंग n1 लग रहा है, तो अगर मैं इस स्मॉल m मास का FBD बनाऊं, अगर स्मॉल m मास का अगर मैं FBD बनाऊं तो क्या होगा, सिर्फ एक ही n1 फोर्स इधर लगेगा और एक्सेलरेशन a होगा राइट, a1 होगा राइट साइड में, तो इस m मास के ऑब्जेक्ट पे जो नेट फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो क्या होगा, एफ नेट कितना होगा n1 और उसकी वैल्यू कितनी होगी, m into acceleration कितना, f upon 3m, mm कटा, तो n1 की वैल्यू आ गई f अपॉन 3, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है, पहले केस में। दूसरे केस में मैं दूसरे का फिर से दूसरे केस के लिए अप्लाई करता हूं, ये 2m है और ये m है, फोर्स अब इधर से लगाया जा रहा है, तो एक्शन रिएक्शन कितना होगा n2 इस पे, ठीक है, और बॉडी एक ही एक्सेलरेशन से अगर एफ न्यूटन को फोर्स लगा रहे हैं तो a2 एक्सेलरेशन से मान लेते हैं लेफ्ट साइड में मूव करेगी, तो इस केस में एफ नेट की वैल्यू क्या होगी, एम टी इंटू ए टू कंसिडर कर लेते हैं, एफ नेट की वैल्यू क्योंकि एक्सटर्नल एक ही फोर्स है सिंगल एफ, तो यहां एफ मैं यूज करूंगा, एम टी की वैल्यू 3m के इक्वल होगी क्योंकि सिस्टम का मास यूज करना है, 3m इंटू ए टू, तो ए टू की वैल्यू आ गई एफ अपॉन 3m। अब ध्यान से देखना, अब अगर मैं इस पे अप्लाई करूं दूसरे वाले 2m वाले मास पे फोर्स की बात करूं तो n2 फोर्स लग रहा है और a2 acceleration से left side में u move कर रहा है, तो f net is equal to m into a, अगर इस पे apply करूं तो net force सिर्फ n2 है, so n2 is equal to mass कितना है इसका 2m है, 2m into a2, तो it means a2 की value क्या हो जाएगी, a2 की value अगर तो मैं यहां से लिख देता हूं, एक मिनट, n2 is equal to 2m into f upon 3m, m से m कट जाएगा, तो ये n2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, n2 is equal to 2f upon 3 आएगा, और पहले केस में रिएक्शन फोर्स आया था f upon 3 और इसमें 2f upon 3, तो पहले सिचुएशन में और दूसरे सिचुएशन में दोनों में
कितना होगा, पहले केस में फोर्स 2 एम पे लगाया जा रहा है, दूसरे केस में आप एम पे लगा रहे हो, तो मैंने उल्टा किया, मैंने सीधा किया, सही सीधा तो किया, ठीक है। तो मैं फोर्स का रेशियो निकाल लेता हूं, तो क्या होगा, एन वन अपॉन एन टू इज इक्वल टू एफ अपॉन थ्री अपॉन टू एफ अपॉन थ्री, थ्री से थ्री कटा, एफ से एफ कटा, वन बाई टू होगा, एन वन बाई एन टू इज इक्वल टू वन बाई टू। कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू ब्लॉक्स ऑफ मास 4 केजी एंड 6 केजी आर प्लेस इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर ऑन फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सर्फेस, इफ वी अप्लाई अ पुश ऑन 5 न्यूटन ऑन द हैवियर मास द फोर्स ऑन द लाइटर मास विल बी। देखो ये एक ग्राउंड है जो फ्रिक्शनलेस है, क्वेश्चन में बोला है ना फ्रिक्शनलेस, इसमें दो मासेस रखे हुए हैं, ये एक है 4 केजी का और एक 6 केजी का, और इसे 4 केजी कह देते हैं, इसको 6 केजी कह देते हैं। फोर्स आप इधर से अप्लाई कर रहे हो, फोर्स का वैल्यू है 5 न्यूटन, ठीक करेक्ट है। तो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है बड़े वाले हैवियर मास पे, हैवियर मास पे बोला है ना 5 न्यूटन का, तो 4 यानी लाइटर मास पे कितना फोर्स अप्लाई होगा, तो इस पे एक्शन रिएक्शन होगा, मान लो इसमें एन और इधर एन लग रहा है एक्शन और रिएक्शन। तो अगर मैं बात करूं, अगर इस पूरे सिस्टम पे अगर एक ही एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्योंकि ग्राउंड का फ्रिक्शन फोर्स जीरो है, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू होगा एम टी इंटू ए। तो नेट फोर्स एक्सटर्नल कौन सा है, सिर्फ एक है 5 न्यूटन का, कोई और दूसरा है नहीं, ना रोकने वाला ना और ऐड करने वाला इस फोर्स में, और दूसरा एम टी यानी टोटल मास सिस्टम का, सिस्टम का मास कितना है 6 + 4, ठीक है 10। तो एक्सेलेरेशन क्या आ जाएगा 5/10, इट मींस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलेरेशन दोनों बॉडी इसी एक्सेलेरेशन से मूव करेंगी राइट साइड में। अब इसमें ध्यान से देखो, अगर इसमें इस 4 केजी वाले ब्लॉक पे एक एन न्यूटन का फोर्स लग रहा है, एन रिएक्शन फोर्स लग रहा है, एक्शन का रिएक्शन लग रहा है, तो ये किधर लग रहा है, ये राइट साइड में लग रहा है। कौन लगा रहा है ये फोर्स, ये 6 केजी वाला ब्लॉक लगा रहा है, यानी हैवियर ब्लॉक लगा रहा है लाइटर ब्लॉक पे, और इसकी वजह से ये एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है। तो इस केस में एफ नेट इज इक्वल टू एम इनटू ए अप्लाई करोगे, तो एफ नेट सिर्फ ये एन फोर्स होगा, एन और मास कितना है इस छोटे वाले ब्लॉक का, लाइटर मास का 4 केजी, एक्सेलरेशन कितना है 0.5, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2 न्यूटन, यानी 5 न्यूटन में से 2 न्यूटन इसको मिला और बाकी 3 न्यूटन यानी हैवियर मास को मिल गया, यानी दोनों के बीच में जो एक्शन रिएक्शन लगेगा लाइटर और हैवियर मास के बीच वो 2 न्यूटन का ही एक्शन रिएक्शन फोर्स लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, 2 न्यूटन का सी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ अ मैन in a stationary lift and when it is moving downward with uniform acceleration a is 3:2, the value of a is कितना होगा, g क्या कह रहा है, acceleration due to gravity on the earth। सबसे पहले दो situation है, जब lift जो है stationary है, ये एक lift है, lift में एक बच्चा खड़ा है, मान लो weighing machine पे खड़ा है, तो earth की gravity इस पे force लगाएगी m into g, और क्योंकि lift stationary है तो यही उसका वेट भी होगा इस केस में। लेकिन दूसरे केस में जब लिफ्ट मूव कर रही है ए एक्सेलेरेशन से नीचे, तो ग्रेविटेशन फोर्स तो नीचे लगेगा, लेकिन ए एक्सेलेरेशन से अगर लिफ्ट नीचे मूव कर रही है तो सूडो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ एफ पी। तो नेट फोर्स इस केस में जो होगा वो एफ जी माइनस एफ पी होगा, और एफ जी की वैल्यू है एम जी माइनस एफ पी की वैल्यू एम इंटू ए के इक्वल होगी, और m कॉमन ले ले तो g माइनस a हो जाएगा, तो नेट फोर्स हो जाएगा इस केस में m इंटू जी माइनस a। इस पहले केस में जो नेट फोर्स होगा वो एफ जी के इक्वल होगा, यानी m इंटू जी के इक्वल होगा। तो इन दोनों का रेशियो, यानी फर्स्ट सिचुएशन में ये फर्स्ट केस है, ये सेकेंड केस है, तो फर्स्ट केस में जो फोर्स होगा डिवाइडेड बाई सेकेंड सिचुएशन में, इसको एफ टू कह दो और इसे एफ वन कहो, तो F1 upon F2 कितना होगा M into G upon M bracket में G minus A,
और ये वैल्यू किसके इक्वल है, 3:2 के इक्वल है, ठीक है, 3/2, और मैं इसको एमसीएम काट दूं तो ये आएगा g/g-a इज इक्वल टू 3/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें, अगर 2 को उधर भेज दें, g-a को इधर भेज दें, तो ये हो जाएगा 2g इज इक्वल टू 3(g-a), इसे आप ले सकते हैं 2g इज इक्वल टू 3g-3a, 3a को इधर भेज दो, 2g को इधर भेज दो, 3a इज इक्वल टू जी आ जाएगा, यानी a इज इक्वल टू g/3 हो जाएगा। एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, g/3, a की वैल्यू g/3, कौन सा ऑप्शन सही है, b वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ब्लॉक शोन इन द डायग्राम दैट आर बींग पुश्ड बाई अ कॉन्स्टेंट फोर्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल। ए कह रहा है ऑल ब्लॉक्स मूव विद द सेम एक्सेलरेशन, बी कह रहा है द नेट फोर्स ऑन ईच ब्लॉक इज द सेम, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो पहली बात, जब आप फोर्स लगाते हो, एक ही एक्सटर्नल फोर्स है और तीन मासेज हैं डिफरेंट वैल्यू के, तो जब आप फोर्स लगाओगे तो तीनों एक ही एक्सेलरेशन से चलेंगे, ठीक है, तीनों के तीनों एक ही एक्सेलरेशन, जैसे एक ट्रेन है, ट्रेन को इंजन खींचता है तो सारी बोगियां एक ही एक्सेलरेशन से चलती है ना, ऐसा थोड़ी कि अलग अलग बोगियां अलग अलग एक्सेलरेशन से चलेंगी, तो तीनों जो ब्लॉक्स हैं वो तीनों एक ही एक्सेलरेशन से चलेंगे, लेकिन मास अलग अलग होने पे तीनों की फोर्स की रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी, ये पॉइंट याद रखना। जिसका मास ज्यादा होगा वो ज्यादा फोर्स उसको चाहिए, जिसका मास कम होगा उसको कम फोर्स चाहिए होगा, लेकिन तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, लेकिन फोर्स की रिक्वायरमेंट तीनों को एक साथ चलने के लिए रिक्वायरमेंट मास के अकॉर्डिंग बदलेगी। मास ज्यादा तो फोर्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा, मास कम तो फोर्स की रिक्वायरमेंट कम। तो कौन सा, ए ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, बी वाला गलत है, तो कौन सा सही है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ब्लॉक इज केप्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड सरफेस विद एन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा, ये एंगल दिया हुआ है, ठीक है, और द इंक्लाइन इज गिवन एन एक्सेलरेशन ए टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी। ये जो इंक्लिनेशन है, ये जो इंक्लाइन है, इसको वेज भी बोला जाता है, WEDGE, वेज, और इसको कहा जा रहा है कि ये ए एक्सेलरेशन से राइट साइड में मूव कराना है, तो ये जो मास है, ब्लॉक है, मान लो एम मास का है, तो ये स्टेशनरी रहना है इसको, तो एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए इस वेज का राइट साइड में, उसकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहली बात, अगर ये मान लो ये वेज स्टेशनरी ही है, तो इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं इस ब्लॉक पे, तो अर्थ की ग्रेविटी mg फोर्स लगाएगी, और अगर वर्टिकल कंपोनेंट देखा जाए, तो अगर ये एंगल अल्फा होगा, क्योंकि ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन कितना होगा, mg cos अल्फा, और इधर जो अलोंग द प्लेन होगा वो mg sin अल्फा होगा, और ये जो mg sin अल्फा है, ये इसको नीचे की तरफ स्लाइड कराने की कोशिश करेगा, तो रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स होना चाहिए, तभी ये रुक सकता है, अदरवाइज तो नहीं रुक सकता। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इस वेज को राइट साइड में अगर एक्सेलरेट किया जाए, एक बच्चे को इसी इंक्लाइन प्लेन पे बैठा दिया जाए, ठीक है, जिस प्लेन पे ये ब्लॉक है, तो अगर ये प्लेटफॉर्म यानी ये वेज राइट साइड में एक्सेलरेट कर रहा है, तो इस बच्चे का भी एक्सेलरेशन राइट साइड में होगा, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ है, तो सूडो फोर्स इस ब्लॉक पे किधर लगेगा। हम लोग जानते हैं सूडो फोर्स हमेशा ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन जिधर होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगता है। अब सूडो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, इस ब्लॉक का मास m है, तो ऑब्जेक्ट का मास यूज किया जाता है, और ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन जिधर होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन एक्सेलरेशन यूज किया जाता है, जिसकी वजह से सूडो फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। तो सूडो फोर्स लेफ्ट साइड में लग रहा है, और ये एंगल भी होगा अल्फा, ध्यान से देखो, ये एंगल भी अलोंग द प्लेन जो एक्सिस है, ठीक है, पैरेलल एक्सिस, उसके उससे जो है ये सूडो फोर्स अल्फा एंगल बना रहा है, तो इस डायरेक्शन में अलोंग द प्लेन ऊपर की तरफ सूडो फोर्स का कंपोनेंट क्या होगा, ma cos अल्फा होगा, ये होगा ma cos अल्फा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट यानी परपेंडिकुलर टू द सरफेस कौन सा कंपोनेंट होगा, ma sin अल्फा होगा, ma sin अल्फा। तो इस mg sin अल्फा को कौन बैलेंस कर रहा है, ma cos अल्फा बैलेंस कर रहा है ना, mg sin अल्फा को ma cos अल्फा बैलेंस करेगा, तभी ये रुक सकता है, यानी mg sin अल्फा की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए ma
कॉस अल्फा के एम से एम कटा, ये कितना हो जाएगा जी साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा को इधर ले आओ अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए, तो ए इज टी टेन अल्फा होगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाए होनी चाहिए, जितना इंक्लिनेशन होगा इस वेज का इंक्लाइन का जितना ज्यादा उतना टेन अल्फा की वैल्यू भी ज्यादा होगी, इसलिए अगर अल्फा बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, वेज का जितना ज्यादा होगा एक्सेलरेशन उतना ज्यादा देना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल ये एक इंक्लिनेशन है यहां ब्लॉक रखा है, दूसरा इंक्लाइन है ऐसा मान लो ये 40 एज्यूम करो ये है 30 डिग्री, क्यों नहीं लिख रहा ये क्या दिक्कत आ रही है रुको, ये 30 डिग्री है ये 60 डिग्री है और दोनों मास m है, यहां पे भी मास m यहां पे भी मास m, तो इसका 60 डिग्री एंगल है इसका 30 डिग्री, तो किसको ज्यादा एक्सेलरेट करना पड़ेगा पहले वाले केस में या दूसरे वाले केस में, एंगल ज्यादा होने पे एक्सेलरेशन ज्यादा होना चाहिए यानी a1 इज ग्रेटर देन a2, यानी इस ब्लॉक को रोकने के लिए a1 का एक्सेलरेशन ज्यादा होना चाहिए तभी ये ब्लॉक रोक सकता है, a2 वाले केस में कम एक्सेलरेशन दे के भी इस ब्लॉक को आप रोक सकते हो, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। थ्री ब्लॉक्स ऑफ मासेस m1 m2 एंड m3 आर कनेक्टेड बाय मास्टर्स स्ट्रिंग एज शोन ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल, दे आर पुल्ड विद फोर्स t3 इज इक्वल टू 40 न्यूटन, ये t3 फोर्स है 40 न्यूटन का, m1 की वैल्यू 10 kg है m2 6 kg है m3 4 kg का है, टेंशन t2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है यानी m2 और m3 के बीच में जो थ्रेड है रोप है इसके अंदर जो टेंशन होगा ये फाइंड आउट करना है। तो अगर ये 40 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है T1 और T2 जो होगा वो इंटरनल फोर्सेस होगा जो दोनों ब्लॉक्स M1 M2 के बीच में लगेगा, T1 और M2 और M3 के बीच में T2 लग रहा है, तो ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है यानी इंटरनल फोर्सेस हैं, ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और जो टेबल का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो जीरो है तो इसलिए फ्रिक्शनलेस टेबल हो गया, फ्रिक्शनलेस टेबल बोला है क्वेश्चन में, तो फ्रिक्शन अगर होता तो वो एक्सटर्नल फोर्स होता इस केस में, ठीक है इस सिस्टम का वो एक्सटर्नल फोर्स होता, लेकिन यहां लग नहीं रहा है, T1 T2 इंटरनल फोर्स है तो उसे यूज किया नहीं जाएगा एक्सटर्नल फोर्स में, ये T3 ही 40 न्यूटन का जो है यही आपका एक एक्सटर्नल फोर्स है, अदरवाइज कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। तो अगर तीनों सिस्टम को एक कंसिडर कर लिया जाए M1 M2 और M3 तीनों मासेस को एक कंसिडर कर लिया जाए तो इसमें सिर्फ एक T3 एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन का, और इसी 40 न्यूटन की वजह से ये पूरा सिस्टम एक्सेलरेट होगा एक्सेलरेशन से, तो एफ नेट इज इक्वल टू क्या होगा एमटी इनटू ए, एफ नेट की वैल्यू कितनी 40 न्यूटन, तीनों का मास कितना है m1 + m2 + m3 10 + 6 + 4 इनटू ए, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 अपॉन ये कितना हो जाएगा 20 यानी एक्सेलरेशन हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन हो गया। तो तीनों सिस्टम एक ही एक्सेलरेशन से चलेंगे, तो ये भी ए एक्सेलरेशन से, ये भी ए एक्सेलरेशन और ये भी ए एक्सेलरेशन से। तो अगर M3 का FBD आप बना लो, M3 का ये हमने यहां पर मैं ड्रॉ कर देता हूं, एक नहीं चल रहा रुको, हाँ ठीक है M3 का FBD बनाते हैं, तो ये T3 इधर लग रहा है 40 न्यूटन, T2 इधर लगेगा, T2 कौन लगा रहा है M2 ब्लॉक इधर लगा रहा है T2 फोर्स, तो अगर FBD बनाना है तो वैसे तो ग्रेविटेशन फोर्स भी लगाना चाहिए, चलो M3 जी लगा देते हैं और नॉर्मल रिएक्शन ठीक है एन इज इक्वल टू M3 जी के इक्वल होगा, लेकिन ये वर्टिकल डायरेक्शन में ये दोनों फोर्सेस लग रहे हैं मोशन में कंट्रीब्यूट करेंगे नहीं, करेगा तो ये दोनों T3 और T2 और बॉडी एक्सेलरेट कर रही है राइट साइड में, इट मींस T3 इज ग्रेटर देन T2। तो अगर आप इस बॉडी का एफ नेट लगाओगे तो M3 इंटू ए, तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी T3 माइनस T2 इज इक्वल टू M3 इंटू ए, तो T3 की वैल्यू कितनी है 40 माइनस T2 इज इक्वल टू M3 की वैल्यू कितनी है, M3 की वैल्यू क्वेश्चन में 4 kg दिया हुआ है, 4 kg इनटू एक्सेलरेशन कितना है 2 है, तो T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 माइनस 8 कितना होगा 32 न्यूटन, T2 होगा 32 न्यूटन यानी 8 न्यूटन का जो फोर्स है वो किसने यूज कर लिया 40 में से 8 न्यूटन का इसने यूज कर लिया और बाकी 32 न्यूटन का पीछे भेज दिया वो अपने आप को एक्सेलरेट करने के लिए, बाकी दोनों अपने आप को एक्सेलरेट करने के लिए कुछ इसमें से M2 ले लेगा बचा हुआ M1 लेगा, तो 32 न्यूटन का फोर्स जो होगा T2 होगा, ये आंसर आपका अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। थ्री ब्लॉक्स ऑफ मासेस 2 kg, 3 kg एंड 5 kg आर कनेक्टेड टू ईच अदर विथ लाइट स्ट्रिंग एंड आर देन प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस एज शोन इन द फिगर। द सिस्टम इज पुल्ड बाई अ फोर्स एफ इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ये 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया जा रहा है। टेंशन T1 पता करना है। टेंशन T1 किसके किसके बीच है? 2 kg और 3 kg वाले ब्लॉक के बीच में। तो ये जो एक्शन रिएक्शन होगा इंटरनल फोर्स है, T2 भी एक्शन रिएक्शन फोर्स है, इंटरनल फोर्स है। तो एक्सटर्नल फोर्स तो सिर्फ एक है 10 न्यूटन का, क्योंकि ग्राउंड का फ्रिक्शन यानी जिस प्लेटफॉर्म पे ये तीनों मासेस रखे हुए हैं, ये मासलेस है, सॉरी ये फ्रिक्शनलेस है। तो फ्रिक्शनलेस है तो ऑब्वियस बात है कोई एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन का लगेगा नहीं। और जो रोप है या थ्रेड है ये मासलेस है तो इसका मास इंक्लूड होगा नहीं, ठीक है। तो पूरे सिस्टम को अगर मैं कंसिडर करूं तीनों का मास 2 kg प्लस 3 प्लस 5 ये कितना हो जा रहा है? ये 10 kg हो जा रहा है। तो लेफ्ट साइड में एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, इसी वजह से इसी फोर्स एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये पूरा सिस्टम लेफ्ट साइड में मूव करेगा। तो एफ नेट इज इक्वल टू क्या होगा? एमटी इंटू ए। एफ नेट की वैल्यू कितनी होगी? 10 न्यूटन इज इक्वल टू एमटी की वैल्यू कितनी होगी? 10। तो यहां यूज करेंगे अगर तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 m/s² होगी। इट मींस ये तीनों एक ही एक्सेलरेशन से लेफ्ट साइड में मूव करेंगे, पहली बात। अब टेंशन T1 फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में। तो अगर मैं 2 kg वाले ब्लॉक का FBD बनाऊं, 2 kg वाले ब्लॉक का, तो लेफ्ट साइड में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और राइट साइड में आपका 3 kg वाला ब्लॉक T1 फोर्स लगा रहा है, लेकिन ब्लॉक चल रहा है 2 kg वाला लेफ्ट साइड में A एक्सेलरेशन से, A की वैल्यू 1 m/s² है। तो इट मींस 10 इज ग्रेटर देन T1, तभी तो लेफ्ट साइड में ये ब्लॉक 2 kg वाला मूव कर रहा है। तो इसलिए F नेट इज इक्वल टू M1, इसको M1 कंसीडर करें, M1, M2 और M3। तो M1 कितना हो गया? M1 इंटू A, नेट फोर्स कितना हुआ? 10 माइनस T1 इज इक्वल टू, M1 की वैल्यू है 2 kg, एक्सेलरेशन कितना 1, तो T1 इज इक्वल टू क्या होगा? 10 माइनस 2 इट मींस 8, T1 इज इक्वल टू 8 न्यूटन आ जाएगा। यानी दोनों के बीच में 2 kg और 3 kg वाले ब्लॉक में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया था 2 kg वाले ब्लॉक को चलाने के लिए और 2 न्यूटन का फोर्स इस 2 kg वाले ब्लॉक ने यूज कर लिया, बाकी 8 न्यूटन का पीछे भेज दिया 3 kg और 5 kg वाले ब्लॉक के लिए कि यूज करें और अपने आप को एक एक्सेलरेशन से ही मूव कराएं जिस एक्सेलरेशन से 2 kg वाला ब्लॉक मूव कर रहा है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो T1 की वैल्यू 8 न्यूटन होगी, तो कौन सा ऑप्शन सही है? 8 न्यूटन का अप्रोप्रिएट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। अ बॉडी ऑफ वेट 2 किलोग्राम इज सस्पेंडेड एज शोन इन द फिगर, द टेंशन T1 इन द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग इन किलोग्राम वेट इज। तो देखो ये पॉइंट फिक्स है, मतलब रुका हुआ है। ये एक वॉल है जिससे ये थ्रेड कनेक्टेड है, ये एक सीलिंग है जिससे ये थ्रेड कनेक्टेड है, और ये थ्रेड तीसरा थ्रेड है जो ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है। ब्लॉक का मास है 2 kg वेट है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा? 2 kg वेट के बराबर होगा। अगर इसमें न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 20 N हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, 20 N, क्योंकि जी की वैल्यू रखेंगे 10, तो 20 N हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इस स्ट्रिंग में टेंशन हम कंसिडर कर लें टी, और इधर कंसिडर कर लेते हैं T-, तो इसको टी कंसिडर करते हैं, ये वाला टेंशन टी कंसिडर करते हैं, इधर T- कंसिडर करते हैं। तो आप ध्यान से देखना, इसमें टेंशन दोनों तरफ होगा, ऊपर भी टेंशन होगा नीचे भी टेंशन होगा। ऊपर वाला टेंशन कौन लगा रहा होगा? ये पॉइंट जो है ब्लॉक पे ऊपर वाला, ये वाला टेंशन, ये फोर्स लगा रहा होगा ऊपर खींचने के लिए। और ये वाला जो फोर्स यानी टेंशन लग रहा है, ये ब्लॉक लगा रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है, पॉइंट याद रहेगा। अच्छा, T- दोनों तरफ लगेगा, इधर भी लगेगा और इधर भी लगेगा। तो जो ऊपर वाला T- लग रहा है वो कौन लगा रहा है? ये सीलिंग लगा रही है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को P कंसीडर कर लेते हैं, P पे लगा रहा है, ठीक है, सीलिंग लगा रहा है T-। और ये जो नीचे वाला T- है, नीचे एक तरफ जो फोर्स लग रहा है T- वो कौन लगा रहा है? वो P लगा रहा है सीलिंग पे, करेक्ट है। और ये पॉइंट रुका हुआ है रेस्ट पे है, और ये ब्लॉक भी रुका हुआ है। अगर ये ब्लॉक रुका हुआ है, इट मींस नीचे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स और जो ऊपर लगने वाला टेंशन है, जैसे ब्लॉक किया हमने, ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लग रहा है और टी ऊपर लग रहा है, इस ब्लॉक पे दो फोर्स लग रहा है और ये ब्लॉक रेस्ट पे है, इट मींस ये दोनों फोर्सेस आपस में बराबर होंगे। यानी FG इज इक्वल टू टी, और FG की वैल्यू कितनी है? 2 kg वेट, तो टी भी उतना ही होगा, 2 kg वेट के बराबर होगा, करेक्ट है। अब दूसरे पॉइंट,
अगर ये 30 डिग्री एंगल है, अगर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट टी डैश का बनाएंगे तो कैसा बनेगा? देखो मैं इसको यहां बना दे रहा हूं पी पॉइंट को, ये आपका टी डैश हुआ, सीलिंग लगा रही है पी पे इस डायरेक्शन में, ठीक है, और इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट अगर ये 30 डिग्री है तो अल्टरनेट इंटीरियर के एंगल के अकॉर्डिंग ये भी 30 डिग्री होगा, हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो थ्रेड बना रहा होगा 30 डिग्री, तो ये एंगल 30 डिग्री हो गया, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा टी डैश का, टी डैश साइन 30 डिग्री होगा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इस तरफ टी डैश कॉस 30 डिग्री होगा, और इस पी पॉइंट पे, ये मैं पी पॉइंट का बना रहा हूं एफबीडी एक तरह से देखा जाए तो राइट साइड में जो टेंशन है वो टी वन है, ठीक है, और नीचे जो टेंशन इस पी पॉइंट पे लग रहा है नीचे की तरफ ब्लॉक लगा रहा है टी, ये वाला टी, तो अगर ये पॉइंट पी रेस्ट पे है इट मींस वर्टिकल लगने वाले फोर्सेस जो है उनका रिजल्टेंट जीरो होगा और हॉरिजॉन्टल लगने वाले फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो होगा, तो पहले इसको कर लेते हैं, तो टी डैश साइन 30 इज इक्वल टू टी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, इक्वल होगा तभी तो नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो होगा, टी डैश इंटू 1/2, और टी की वैल्यू अभी यहां से 2 किलोग्राम हमने लिख ली थी, 2 किलोग्राम वेट, तो टी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 किलोग्राम वेट आएगा, ठीक है, टी डैश की वैल्यू 4 किलोग्राम आ गई, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल कर दिया, अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टी डैश कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, टी वन के बराबर होगा, टी डैश की वैल्यू 4 किलोग्राम है, 4 किलोग्राम वेट, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इज इक्वल टू टी वन, 2 से 2 कट जाएगा, यानी टी वन की वैल्यू आ गई 2√3 किलोग्राम वेट आएगी, टी वन की वैल्यू कौन सा ऑप्शन सही है, 2√3, ये वाला सी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो, वन एंड ऑफ मासलेस रोप विच पासिस ओवर अ मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पुली पी इज टाइड टू अ हुक सी, ये हुक है सी, ठीक है, व्हाइल द अदर एंड इज फ्री, ठीक है, ये वाला एंड फ्री है, मैक्सिमम टेंशन दैट रोप कैन बियर इज 360 न्यूटन विथ व्हाट वैल्यू ऑफ मिनिमम सेफ एक्सेलरेशन कैन अ मंकी ऑफ 60 किलोग्राम मूव डाउन ऑन द रोप। सबसे पहली बात कि अगर इसका मास है इस मंकी का 60 किलोग्राम तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा वो तो 60 इंटू जी यानी 60 इंटू जी की वैल्यू 10 कंसिडर कर दे तो 600 न्यूटन का लगेगा, तो अगर ये मंकी अगर रुका रहेगा तो रोप टूट जाएगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये जो रोप है ये बियर कर सकती है 360 न्यूटन का, ये तो सिंपल सा लॉजिक है, यानी अगर मंकी रुका रहेगा तो थ्रेड टूट जाएगा, लेकिन अगर वो ए एक्सेलरेशन से नीचे मूव करेगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे होगा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जो थ्रेड का टेंशन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये बियर कर सकता 360, और अगर ये ए एक्सेलरेशन से नीचे मूव करेगा, ठीक है, तो सूडो फोर्स किधर लगेगा, इस पे सूडो फोर्स ऊपर लगेगा, एफ पी इज इक्वल टू एम इंटू ए, और ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लग रहा है एम इंटू जी, ग्रेविटेशन फोर्स एम इंटू जी नीचे लग रहा है, तो अगर मैं कहूं कि जो टेंशन स्ट्रिंग में होगा, टेंशन इन स्ट्रिंग, उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो वैल्यू होगी एम इंटू जी माइनस ए, नेट फोर्स जो लगेगा स्ट्रिंग पे वो एम इंटू एफेक्टिव एक्सेलरेशन, तो जी माइनस ए ही होगा, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लग रहा है, सूडो फोर्स ऊपर लग रहा है, तो नेट एक्सेलरेशन जी माइनस ए होगा। अब ये वैल्यू जो है यही थ्रेड में टेंशन होगी, तो बियर कर सकता है ये थ्रेड यानी रोप 360 न्यूटन, तो 360 न्यूटन से ये वैल्यू कम होनी चाहिए या बहुत हो, तो बराबर हो, एम इंटू जी माइनस ए से ये वैल्यू 360 जो है बड़ी होनी चाहिए या बहुत होगी, तो बराबर होगी, तो 360 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम की वैल्यू 60, जी की वैल्यू 10 कंसिडर करो, ए की वैल्यू आपको निकालना है कितने एक्सेलरेशन से ये नीचे मूव करे जिससे कि ये रोप नहीं टूटनी चाहिए, तो इधर लाओगे तो 360 डिवाइडेड बाई 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 माइनस ए, 0 से 0 कटा, ये 6 गया, ए इधर जाएगा और 10 इधर आएगा, 10 माइनस 6 यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन इस मंकी का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे की तरफ होना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए सी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो,
स्ट्रिंग ऑफ नेग्लेजिबल मास गोइंग ओवर अ क्लैम्प्ड पुली ऑफ मास स्मॉल एम सपोर्ट्स अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम एज शोन इन द फिगर द फोर्स ऑन द पुली बाय द क्लैम्प इज गिवन बाय. तो ये जो मास है अर्थ इसको खींचेगी ग्रेविटेशन फोर्स लगा के एम इन टू जी. इस पुली का मास स्मॉल एम है तो उसको भी ग्रेविटेशन फोर्स लगा के अर्थ इसको खींचेगी एम इन टू जी. थ्रेड में जो टेंशन होगा टी होगा यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा क्योंकि एक ही थ्रेड है तो थ्रू आउट टेंशन सेम होता है. लेकिन इस साइड में टेंशन दोनों तरफ होगा इधर भी होगा इधर भी होगा. इसमें भी टेंशन इधर भी होगा और इधर भी होगा. तो पुली पे जो है अगर देखा जाए पुली के थ्रू जो फोर्सेज लग रहा है एम इन टू जी इधर लग रहा है सेंटर ऑफ मास से एम इन टू जी स्मॉल एम इन टू जी ये लगेगा. एक थ्रेड में टेंशन टी इधर लगा. अच्छा ये ध्यान रखना है थ्रेड में जो टेंशन है यही एम जी के इक्वल होगा. ये जो एम जी ग्रेविटेशन फोर्स क्योंकि ये रेस्ट पे है ना ब्लॉक. अगर इस कैपिटल एम वाले ब्लॉक का एफ बी डी बनाएंगे तो कैपिटल एफ जी नीचे लग रहा ऊपर टी है तो इट मीन्स टी इज इक्वल टू एम जी हुआ. ये इक्वल होगा क्योंकि रेस्ट पे है. तो सिमिलरली पुली पे जो फोर्स लगाया जा रहा है ठीक है थ्रेड के थ्रू ये ब्लॉक लगा रहा है थ्रेड के थ्रू पुली पे नीचे की तरफ जो थ्रेड में टेंशन है के लग रहा है वो भी एमजी के इक्वल होगा. तो अगर ध्यान से देखा जाए अगर पुली का एफबीडी बनाए तो दो फोर्स नीचे लग रहा है एक स्मॉल एमजी एक कैपिटल एमजी और एक थ्रेड में टेंशन टी लग रहा है इधर लेफ्ट साइड में वो भी एमजी के इक्वल है. ये भी थ्रेड का टेंशन ही है जो एमजी के इक्वल है. तो अगर नेट फोर्स की बात की जाएगी जो पुली लगाएगा क्लैंप पे ध्यान रखना ये फोर्स जो लगेगा ये फोर्स के जो एफ नेट यहां से हम निकालेंगे यहां से एफ नेट हम निकालेंगे ये पुली लगाएगी क्लैंप पे तो इसका एक्शन का रिएक्शन उल्टा क्लैंप लगाएगा पुली पे क्लैंप लगाएगा पुली पे. ये फोर्स ऑन क्लैंप यह है फोर्स ऑन क्लैंप ड्यू टू पुली है सॉरी उल्टा लिख दिया हम फोर्स ऑन क्लैंप ड्यू टू पुली ये वाला है फोर्स ऑन पुली ड्यू टू क्लैंप ये होगा ये वाला होगा ये वाला फोर्स. तो ये जितना ये फोर्स होगा उतना ये होगा. तो हम लोग जो एफ नेट की बात ये कर रहे हैं ये फोर्स ऑन क्लैंप ड्यू टू पुली है ठीक है पुली लेन लगाया क्लैंप पे तो ये निकाल लो जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन होगा. तो हम ये निकाल लेते हैं एफ नेट का स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस और टी प्लस एम जी का होल स्क्वायर ये होगा. अब एफ नेट ही आपका क्या है फोर्स ऑन क्लैंप ड्यू टू पुली का स्क्वायर ये होगा. तो फोर्स ऑन क्लैंप ड्यू टू पुली का स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा टी की वैल्यू भी एम जी के इक्वल है तो एम जी का स्क्वायर और टी की वैल्यू फिर से कैपिटल एम जी और इंटू स्मॉल एम इंटू जी का होल स्क्वायर. अगर फोर्स ऑन क्लैंप ड्यू टू पुली का स्क्वायर अगर करें तो ये क्या हो जाएगा एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस अगर इस जी कॉमन ले लें तो एम प्लस स्मॉल एम का होल स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर ये हो जाएगा. अब इसको और थोड़ा सा अच्छे से लिख लें क्लैंप ड्यू टू पुली का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा एम स्क्वायर प्लस एम प्लस स्मॉल एम का होल स्क्वायर और यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर हटा दे स्क्वायर रूट ले लेते हैं सीधे इसको इरेज कर देते हैं स्क्वायर को और जी को कॉमन लेके बाहर निकाल दें तो स्क्वायर होगा कॉमन लेंगे स्क्वायर जी स्क्वायर बाहर आएगा तो जी आ जाएगा. तो ये फोर्स ऑन क्लैंप ड्यू टू पुली है तो फोर्स ऑन पुली ड्यू टू क्लैंप कितना होगा वो भी इतना ही होगा. फोर्स ऑन पुली ड्यू टू क्लैंप की वैल्यू फोर्स ऑन क्लैंप ड्यू टू पुली के इक्वल होगा और वो वैल्यू कितनी है एम स्क्वायर प्लस एम प्लस स्मॉल एम होल स्क्वायर इनटू जी बाहर है रूट के अंदर नहीं है ध्यान रखना है रूट से बाहर निकाल लिया था ना हम लोगों ने. तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है ये वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट इसको बाहर कर दो जी के ये टाइपिंग मिस्टेक हमको लग रहा है ये रूट अंदर नहीं होगा ये मतलब जी के अंदर ये नहीं है जी बाहर है रूट के बाहर है तो ये ध्यान रखना ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन रीड करो द पुलीज एंड स्ट्रिंग्स शोन इन द फिगर आर स्मूथ एंड ऑफ नेग्लेजिबल मास ये जो स्ट्रिंग्स हैं वो मास इनका जीरो है. फॉर द सिस्टम टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम द एंगल थीटा की वैल्यू कितनी होगी देखो मास m ये भी m लेकिन ये जो बीच वाला मास है रूट टू एम है 1.414 टाइम्स ज्यादा है इससे. तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो रूट टू इंटू एम इंटू जी के बराबर नीचे लगेगा इस ब्लॉक पे ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ लगाएगा. अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट पी कंसिडर कर लेते हैं तो थ्रेड में टेंशन अगर मैं टी डैश यहाँ कंसिडर कर लूँ तो टी डैश इज इक्वल टू
इस ग्रेविटेशन फोर्स के बराबर होगा, यानी रूट टू एम जी के बराबर होगा अगर इसे रेस्ट में रहना है, इक्विलिब्रियम में रहना है तो। ठीक है, अब इस थ्रेड में टेंशन टी डैश कंसिडर कर लो, सॉरी इसमें तो टी डैश इधर कंसिडर कर लिया ना, तो इसको टी कंसिडर कर लो, इसको टी कंसिडर कर लिया और इसको भी टी कंसिडर कर लिया। ठीक है, अच्छा अब इसका जो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट और इसका भी जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा टी कॉस थीटा इधर से और इसका भी टी कॉस थीटा इधर से होगा। तो ऊपर अगर मैं एफबीडी इस पी पॉइंट का बनाऊं तो नीचे लग रहा है फोर्स, ये क्योंकि टी डैश दोनों तरफ लगता है ना, टी डैश नीचे भी लगेगा ऊपर भी लगेगा, नीचे कौन लगा रहा है, ब्लॉक लगा रहा है इस पी पॉइंट पे, तो ब्लॉक लगा रहा है इस पी पॉइंट पे टी डैश नीचे की तरफ, और ये जो इस थ्रेड के थ्रू ये ब्लॉक लगा रहे हैं टी, और इधर से भी ये ब्लॉक एम मास का लगा रहा है टी। तो इन दोनों का जो को रिजॉल्व करने पे वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ टी कॉस थीटा आया और टी कॉस थीटा आया, ये दोनों फोर्स मिलके इस टी डैश को बैलेंस कर रहे हैं और टी डैश की वैल्यू कितनी इतनी, तो इट मींस टी डैश इज इक्वल टू टी कॉस थीटा प्लस टी कॉस थीटा, इन दोनों का सम टी डैश के इक्वल होगा तभी ये रेस्ट पे रह सकता है पी पॉइंट जो यहां पर है पी पॉइंट। ठीक है, तो टी डैश इज इक्वल टू टू टी कॉस थीटा होगा और टी डैश की वैल्यू कितनी है, रूट टू एम जी, रूट टू एम इंटू जी के इक्वल है टू इंटू, अच्छा यहां पर एम जी लग रहा है ग्रेविटेशन फोर्स, ये भी एम जी लग रहा है, तो अगर ये टी है तो इधर भी टी लगेगा यहां भी टी होगा। अच्छा टी की डायरेक्शन दोनों तरफ होगी, ध्यान रखना इधर ये क्यों नहीं चल रहा, ठीक चलो एक मिनट होल्ड करो, हाँ इधर भी ऊपर की तरफ भी टी लगेगा नीचे की तरफ भी टी लगेगा, इधर भी इधर भी, अच्छा नीचे की तरफ जो टेंशन लग रहा है वो ब्लॉक लगा रहा है पुली पे, जो ऊपर की तरफ जो टेंशन है टी यानी फोर्स है वो पुली लगा रहा है ब्लॉक पे, दोनों ध्यान रखना है। ठीक है, कौन किधर लगा रहा है, अच्छा तो ये जो अगर इसका एफबीडी बनाते हैं इस एम ब्लॉक का, तो एम जी नीचे की तरफ टी ऊपर की तरफ, ये दोनों फोर्स इस ब्लॉक पर लग रहा है एम मास के और रेस्ट में है, तो ऑब्वियस सी बात है टी इज इक्वल टू एम जी के इक्वल होगा, इधर से भी आप ये कह सकते हो टी इज इक्वल टू एम जी, तो टी की वैल्यू एम जी के इक्वल है, तो यहां पर टी की वैल्यू एम जी लिख देते हैं, टी एम जी और कॉस थीटा, एम जी से एम जी कट जाएगा टू इधर जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट टू बाई टू आएगा, इसको आप रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो क्या होगा, रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो टू आएगा अपॉन टू रूट टू, टू से टू कटा यानी कॉस थीटा की वैल्यू आ गई वन बाय रूट टू, वन बाय रूट टू किसके इक्वल होता है कॉस 45, तो थीटा इज इक्वल टू 45 के इक्वल हो गया 45, तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, सी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज शोन इन द फिगर टू इक्वल मासेस ईच ऑफ 2 किलोग्राम आर सस्पेंडेड फ्रॉम स्प्रिंग बैलेंस द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग विल बी, अच्छा ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर जनरली लोग सोचते हैं कि अगर टी फोर्स इधर लग रहा है स्प्रिंग बैलेंस पे, टी इधर लग रहा है तो जनरली बच्चे कहते हैं कि टू टी फोर्स इसमें शो करेगा, जबकि ये टी ही फोर्स इसमें शो करता है, उसके पीछे रीजन क्या होता है कि एक जो फोर्स है दूसरे का सपोर्ट का काम करता है, एक फोर्स दूसरे के सपोर्ट का काम करता है, तो फोर्स टू टी नहीं लगेगा, टू टी फोर्स नहीं लगेगा इस स्प्रिंग बैलेंस पे, सिंगल टी लगेगा, अगर इसका 2 के जी है तो इसपे जो टी फोर्स इधर लग रहा है टेंशन टी, वो टी की वैल्यू 2 के जी वेट के बराबर ही होगी, 2 के जी वेट मास 2 के जी है तो 2 के जी वेट के बराबर होगी, तो थर्मल टेंशन अगर टी है ऊपर और नीचे तो इसकी वैल्यू 2 के जी के बराबर होगी, तो अब इधर भी दोनों टेंशन लगेगा, इधर और इधर दोनों टेंशन इस थ्रेड में लगेगा, तो इस देखा जाए इस स्प्रिंग बैलेंस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, अगर मैं स्प्रिंग बैलेंस की बात करूं तो इधर भी टी लग रहा है इधर भी टी लग रहा है इस स्प्रिंग बैलेंस पे, लेकिन एक टी दूसरे के लिए सपोर्ट का काम कर रहा है, इसलिए स्प्रिंग बैलेंस में जो रीडिंग आएगी वो टी के इक्वल आएगी, और टी की वैल्यू किसने के इक्वल है 2 के जी वेट के बराबर है। ठीक है, तो मास 2 के जी है तो ऑब्वियस सी बात है 2 के जी वेट के बराबर हो, तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ये वाला बी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो, द मासेस ऑफ 10 किलोग्राम एंड 20 किलोग्राम रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड बाई अ मासलेस स्प्रिंग एज शोन इन द फिगर। ठीक है, अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन एक्ट्स ऑन 20 किलोग्राम मास एट द इंस्टेंट शोन, द 10 किलोग्राम मास हैज एक्सेलरेशन 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ 20 किलोग्राम मास। देखो 20 किलोग्राम वाले मास पे 200 न्यूटन का फोर्स इधर राइट साइड में लगाया गया
और उसकी वजह से 10 किलोग्राम वाला मास जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। तो इसकी रिक्वायरमेंट कितनी होगी, इस 10 किलोग्राम वाले मास की रिक्वायरमेंट कितनी है फोर्स की? तो एम इंटू ए हम कहेंगे मास कितना है, 10 किलोग्राम एक्सेलरेट कर रहा है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो 120 न्यूटन की रिक्वायरमेंट है इसकी। तो 200 न्यूटन तो लगाया गया, तो उसमें से 120 तो यही ले ले रहा है, तो बचा कितना 80 न्यूटन, तो 80 न्यूटन इसको मिलेगा। अब इस 80 न्यूटन से ये 20 किलोग्राम वाला मास कितना है एक्सेलरेशन से मूव करेगा, तो एफ इज इक्वल टू एम ए लगाया, 80 न्यूटन का फोर्स 20 किलोग्राम वाले मास को मिला, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इस केस में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो बचा हुआ फोर्स है 80 न्यूटन, उससे 20 किलोग्राम वाला मास 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा। तो ये बी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन रीड करो। थ्री वेट ए बी एंड सी आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर। द सिस्टम मूव्स ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। द टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टेड ए एंड बी इज, ए और बी के बीच में जो टेंशन है ये फाइंड आउट करना है। तो हम कंसिडर कर लेते हैं टी, यहां पर टेंशन टी डैश कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि ये जो ए से सी के बीच का जो थ्रेड है वो एक ही है, इसलिए टेंशन टी डैश थ्रू आउट होगा। ठीक है, ए और बी के बीच में जो थ्रेड है वो अलग थ्रेड है, इसलिए टेंशन टी कंसिडर किया है। तीनों का मासेस दिया हुआ है 1 kg, 3 kg और 5 kg। तो इसमें जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा वो 5g के इक्वल होगा, मास इंटू जी, इधर होगा 1 × g और इधर होगा 3 × g। अगर मैं तीनों मासेस को हॉरिजेंटल कर दूं कुछ इस तरह से, अगर ध्यान से देखो ये इस तरह से, बी ये हो गया, ए ये है, सी ये है। तो C पे फोर्स 5G राइट साइड में लग रहा है, B पे लेफ्ट साइड में 1G लग रहा है, A पे लेफ्ट साइड में 3G लग रहा है। अगर तीनों मासेस को एक कर दिया जाए, 1 + 3 + 5, टोटल कितना हो जाएगा 9 किलोग्राम का मास हो जाएगा। राइट साइड में 5G फोर्स लग रहा है, लेफ्ट साइड में 4G फोर्स लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है एक्सेलरेशन राइट साइड में हो, क्योंकि 5G बड़ा है 4G से। तो ये सी वाला जो ऑब्जेक्ट है यानी ब्लॉक है वो ए एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा और ए और बी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएंगे, क्योंकि तीनों कनेक्टेड हैं तो सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। अच्छा, तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एफ नेट इज इक्वल टू एम टी इंटू ए यूज किया जाएगा, तो नेट फोर्स कितना होगा, 5g - 4g, 5g - 4g इज इक्वल टू, टोटल मास कितना है 9 किलोग्राम का, तो 9 × a। तो मैं ए की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं तो g/9 होगा, तो तीनों एक ही एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, 9/g/9 से मूव करेंगे। तो टेंशन इस ब्लॉक पे कितना होगा, तो FBD बनाते हैं बी ब्लॉक का। FBD 1g नीचे लग रहा है, ऊपर थ्रेड का टेंशन है T और बॉडी एक्सेलेट कर रही है O A एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ। तो अगर FBD हमने बी का बनाया तो एफ नेट इस पे अप्लाई करते हैं, एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की वैल्यू है 1 किलोग्राम, एक्सेलरेशन ए की वैल्यू है g/9 और नेट फोर्स कितना है 1g, g - t। तो अगर थोड़ा सा सॉल्व करें टेंशन कितना आ जाएगा, g - t इज इक्वल टू g/9, तो इसको टी को उधर भेज दो, g/9 को इधर भेज दो, तो टी इज इक्वल टू g - g/9, ये कितना हो जाएगा 8g/9 हो जाएगा। थ्रेड में टेंशन कौन सा ऑप्शन सही है, 8g/9, सी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन रीड करो। अ मैन वेइंग 80 किलोग्राम इज स्टैंडिंग इन अ ट्रॉली वेइंग 320 किलोग्राम। द ट्रॉली इज रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल रेल्स। इफ द मैन स्टार्ट्स वॉकिंग ऑन द ट्रॉली विद अ स्पीड ऑफ 1 m/s, देन आफ्टर 4 सेकेंड हिज डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव टू द ग्राउंड विल बी कितना होगा। तो देखो, ट्रॉली का मास दिया हुआ है 320 किलोग्राम, उस आदमी का मास दिया है 80 किलोग्राम। तो सबसे पहले ये ट्रॉली बना लेते हैं, ये व्हील है उसका, ये रेल है जिस पे ये चल रहा है, ठीक है, ये फ्रिक्शन रेस्ट रेल है। ये आदमी खड़ा है जिसका मास m कंसिडर कर लेते हैं, ट्रॉली का मास कैपिटल m कंसिडर कर लेते हैं, और ये रेस्ट पे था। जैसे ये चलना शुरू करेगा, मान लेते हैं वेलोसिटी v है, तो हम जनरली जब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग जमीन पे फोर्स लगा के आगे बढ़ते हैं, पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, तो ये जो एक्शन होता है इसका रिएक्शन हम लोग को मिलता है, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये एक्शन फोर्स, उसका रिएक्शन फोर्स, यानी पीछे की तरफ हम धक्का दे रहे हैं। इसका ये जो कंपोनेंट है ना थीटा वाला, अब मान लो a cos थीटा,
ठीक है, ये वाला कंपोनेंट की वजह से ये धक्का दे रहा है पीछे की तरफ ग्राउंड को या ट्रॉली को। तो जब ट्रॉली को पीछे की तरफ धक्का देगा तभी तो ये बच्चा या आदमी जो है आगे बढ़ेगा, तो ये पॉइंट याद रखना है। लेकिन ये जो फोर्स लगा रहा है ये पूरा सिस्टम आदमी और इस ट्रॉली को हम एक आइसोलेटेड सिस्टम अगर कंसिडर कर रहे हैं, तो ये दोनों फोर्सेस एक्शन रिएक्शन ये इंटरनल फोर्सेस हैं, और इंटरनल फोर्स की वजह से मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आता है। ध्यान रखना इस बात का, इंटरनल फोर्स की वजह से मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आता है, नेट मोमेंटम कंजर्व रहता है, जितना शुरू में था उतना ही बाद में रहता है। ठीक है, तो पहली बात कि और एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ही मोमेंटम में चेंज आता है, इंटरनल फोर्स की वजह से नहीं आता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं उस बात को। ठीक है, तो अब जब ये आदमी आगे बढ़ेगा, एज्यूम कर दो m इंटू वी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, तो उतना ही जो मोमेंटम होगा, अगर ये आगे का मोमेंटम है इस आदमी का, तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम पीछे की तरफ होगा। अगर ये ट्रॉली मान लो v डैश वेलोसिटी से पीछे जा रही है, तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम कितना हो जाएगा, m कैपिटल m इंटू स्मॉल m इंटू v डैश, आगे का मोमेंटम, इस आदमी का आगे जाने का मोमेंटम जो है उतना ही पूरे सिस्टम का पीछे जाने का मोमेंटम होगा। तो अब ध्यान से देखना जो मैं बात बोल रहा हूं, m किसका मास है, इस आदमी का 80 किलोग्राम, v की वैल्यू कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड, तो ये वैल्यू यहां रखते हैं 80 किलोग्राम, ठीक है, इंटू 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू, ये कैपिटल m है, कैपिटल m मतलब ट्रॉली का मास 320 प्लस 80 उस आदमी का मास इनटू वी डैश। तो ये वी डैश किसका वेलोसिटी है, इस पूरे सिस्टम की वेलोसिटी है जो पीछे की तरफ है लेफ्ट साइड में है। तो ये कितना आ जाएगा, 80 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 400 इनटू वी डैश, अगर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 80 बाय 400 इट मींस 0 0 कटेगा, 1/5 आएगा, 1/5, 1/5 का मतलब 0.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 0.2 मीटर पर सेकेंड, यानी हर एक सेकेंड में 0.2 मीटर ये पीछे जाएगा, हर एक सेकेंड में 0.2 मीटर ये पूरा सिस्टम, और सिस्टम में ये आदमी भी शामिल है, आदमी भी इंक्लूड है ना पूरे सिस्टम में। तो बच्चा ये जो आदमी है अगर एक सेकेंड में 1 मीटर आगे बढ़ रहा है, तो उस एक सेकेंड में 1.2 मीटर पीछे भी जा रहा है, ठीक है, 0.2 मीटर पीछे भी जा रहा है। इसका मतलब है एक सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0.8 मीटर हो रहा है, 0.8 मीटर, तो 4 सेकेंड में पूछ रहा है ना, तो 4 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो 4 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 4 into 0.8 कितना होगा, 3.2 मीटर होगा। कौन सा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ये वाला सी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।